गाइस वेलकम बैक टू एलचल। आई होप अच्छे ही होंगे। तो फिलहाल भाई लास्ट एपिसोड में क्या क्या हुआ था मैं आपको रिवाइंड करा देता हूँ। हमारे ड्राइवर ने रैली करी थी भाई, वैसे बड़े प्यार से हम लोग सारे काम कर रहे हैं, हम लोग जीतना चाहते हैं इलेक्शन, बट भाई वही है ना, ड्राइवर की लाइफ इतनी ईजी नहीं है, इसको इलेक्शन जीतने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है बेचारे को। क्योंकि मिस्टर विलियम्स एक फैमिली का बंदा है और मतलब वो बहुत ही पुरानी फैमिली है, पहले से इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं, कुछ टाइम तक होल्ड किया था और उसके बाद फिर से कमबैक कर रहे हैं, जिनमें से भाई मतलब तीन भाई है, टोनी, मोनी, रोनी, उन्होंने मेरे सर में दर्द करके रखा हुआ है भाई। अमेजिंग ही लेवल के बंदे। ड्राइवर को इस वक्त इतना गुस्सा करके रखा हुआ है कि ये बंदों में इतना बुरा बजाना चाहता है बहुत ही ज्यादा। उस बंदे ने लास्ट एपिसोड में मुझे फंसाया भी, उसने अपने आप का मरने का ड्रामा किया, फिर मैंने भाई अपने आप को अभी तक देखो इनोसेंट साबित किया नहीं है, बट अभी हम करने वाले हैं। मैंने लेस्टर को फिर बोला पूरी रात बैठ, मुझे नहीं पता, मुझे लूप होल ढूंढ करके दे या फिर कुछ भी तरीका निकाल जिससे हम दोबारा से ट्रैक पे आए। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर हम लोगों ने अपने आप को भाई इनोसेंट साबित नहीं किया ना, तो टिकट कैंसिल और फिर कोई इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे और इलेक्शन लड़ भी नहीं पाएंगे। पहले तो बहुत दूर की बात है जीतना, तो पहले हम इलेक्शन लड़ लें वही बहुत बड़ी बात है। तो देखा जाए भाई सारे के सारे काम खराब होने ही वाले हैं अभी तो, बट फिर भी कोई टेंशन नहीं है, हम सब कुछ सही कर देंगे, स्टोरी को सीधा कर दूंगा मैं। और फिर भाई उसके बाद में काफ़ी चीज़ें और भी हुई थी, जैसे कि बाला वाले ने अटैक किया और ये छोटी मोटी चीज़ें थी, वैसे ज़्यादा नहीं थी, ये हम सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। मेरे प्यार ट्रेयर ब्रो खड़ा हो जाए यार, ऐसे टाइम वेस्ट मत करें, इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि अभी भाई हमें जल्दी सारी चीज़ें ठीक करनी है। ऊपर से वो नमूनों का सरदार भाई जो ट्रेवर के दिखने जैसा बंदा था, वो भूत बन के घूम रहा था ट्रेवर का, वो भाई सच्ची में मास्क यूज़ कर रहा था, एक नॉर्मल बंदा था, मेरे नाम से पैसे ले रहा था बंदों से, यही बस वो काम कर रहा था। मैंने आपको पहले ही बोला था वो बंदा यही करने वाला है। फिलहाल उसकी पिटाई करके, अभी मैंने छोड़ा नहीं है, उसको छोड़ देंगे यार, छोटा मोटा चोर है, बस मेरे नाम को यूज़ करके पैसे बना रहा था बस। उसने मास्क पता नहीं कहाँ से बनवाया यार, अमेजिंग लेवल के बंदे हो रहे हैं, मतलब चीटिंग कर रहे हैं सभी को और उल्टे उल्टे सीधे काम करके मेरे नाम से पैसे बना रहा था, पता नहीं फिर वो मॉन्स्टर पे गायब कैसे हुआ जिमी ने जब देखा था, उसके बारे में भी हम लोग पता कर लेंगे। ट्रेवर भाई खड़ा हो जाए, लेसर के पास जाना, चल 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 लेट मत कर। फाइनली ट्रेवर भाई 5-10 मिनट के बाद खड़ा हो चुका है काफी पुशअप्स करने के बाद में, क्योंकि आज तो इसको बहुत गुस्सा है, आज तो बंदों को सभी को सीधा कर देंगे अगर बंदों ने हमारी बात नहीं मानी। चल ट्रेवर जल्दी से निकल। तो आज मैंने यार जेम्स बॉन्ड वाली गाड़ी ली है काफी दिन के बाद में, अगर 1% किसी में बजाना पड़ गया ना तो फिर तो मजे मजे है। तो लेस्टर के पास निकल के पता करते हैं, उसने कुछ प्लान बनाया भी है पूरे दिन में नहीं है, फिर ऐसे खाली बैठा हुआ था। और ऊपर से भाई एक सेकंड, मैंने आपको अपना घर नहीं दिखाया, मेरा घर देखिए नॉर्मल हो चुका है, रिपेयरिंग सारी हो चुकी है, अब लगना रह गया सिर्फ सोना, सोना भी लगवाऊंगा भाई, क्योंकि आपको पता है वो मतलब वो चोर थे ना जो सभी के सभी अटैक करके सारा सोना जितना था उतार के लेकर के चले गए। इतनी कंजूस माफी मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी, ऐसे ऐसे नमूने आते हैं मेरी लाइफ में, उल्टा काम करते हैं हमेशा। चलिए फिलहाल कोई बात नहीं, मेरे पास सोना बहुत है, मैं आराम से दोबारा लगवा लूंगा। मैं पहुंच गया हूँ मेरे प्यारे सिलेस्टर घर पर। बस ट्रेवर बस एक तो एक गाड़ी ना इतनी ज्यादा फिसलती है, बहुत ही ज्यादा जेम्स बॉन्ड वाली गाड़ी पता नहीं कभी बैलेंस में चलती नहीं है, जैसे इसका वेट ज्यादा है देखो बाकी और गाड़ियों से, क्योंकि इसमें वेपन सिस्टम बहुत ज्यादा लगा के रखा है, ऊपर से अनलिमिटेड बारूद इसमें है। लेस्टर से हो गई है बातें भाई, एक आइडिया इसने दिया है, बोल रहा है कि उस आइडिया के अलावा ट्रेवर और कोई आइडिया ही नहीं है जो हम यूज में लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि उसके अलावा और बंदे ने कोई भी कमी छोड़ी नहीं अपने प्लान में, उसका प्लान एकदम परफेक्ट है ट्रेवर, सिर्फ यही तरीका है, अगर तो कुछ कर लेगा तो भाई फायदा, नहीं तो कोई फायदा नहीं होने वाला। इसने मुझे बोला कि ट्रेवर आपको याद है भाई जब उस बंदे ने के ऊपर मतलब कि टोनी के ऊपर जब अटैक हुआ था, एक पुलिस वाले ने ही उसको गोली मारी थी उसी के बंदे ने, उसके बारे में मेरे को बोल रहा है लेस्टर कि ट्रेवर उस बंदे का मैंने पता लगा लिया जिस बंदे ने टोनी को गोली मारी थी जानबूझ के, उस बंदे को तू पकड़ जा करके और कुछ ना कुछ उसकी कमी निकाल। वो एक जॉब करने वाला बंदा है, मानता हूँ फिलहाल को इलीगल काम भी कर लेता है माफिया के कहने पर, बट वो बंदे को अगर ऐसा लगेगा ना कि उसकी जॉब जाने वाली है, कुछ भी ऐसी कमी ढूंढ, वो खुद ही ऐसा तरीका तेरे को बताएगा जिससे तू वापस इस केस से निकल सकता है और टिकट कैंसिल नहीं होगा। तो फिलहाल भाई अभी हम उस पुलिस वाले को टारगेट करने वाले, ना कि टोनी को, क्योंकि देखो टोनी कभी नहीं मानने वाला, वो एक नंबर का बदमाश बंदा है, वो तो हमें ख़त्म करना चाहता है, वो कभी नहीं मानेगा, बट वो पुलिस वाला जिसने टोनी को गोली मारी थी उसके कहने पर वो जरूर मानेगा और उसको मानना पड़ेगा। तो चलिए भाई जल्दी से निकलते हैं पुलिस स्टेशन में, आसपास वाले में जहाँ पे उसकी ड्यूटी है। भाई अपना ड्राइवर पहुंच चुका, यही वो वाला पुलिस स्टेशन है भाई हमारे शहर का, आराम से निकलते हैं प्यार से। मैंने आउटफिट ऑलरेडी चेंज कर लिया, मैं घर दोबारा पहुंच गया था, आउटफिट लेकर के आ चुका हूं। मैंने कैप भी बड़ी सी पहन ली है, मानता हूं इसके ऊपर सूट नहीं कर दिया कैप, बट फिर भी यही जो मेरे को मिली मैंने पहन ली। अभी जल्दी से ड्राइवर को कोई पहचान नहीं पाएगा, अगर पहचान मिले तो फिर बाद में कुछ और देख लेंगे। ड्राइवर अंदर निकल, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। ओके भाई सामने दो बंदे खड़े हुए हैं, देखो जाना तो पड़ेगा भाई, देखो अगर नहीं गए ना तो फिर भाई इनोसेंट साबित नहीं हो पाएंगे। और ऊपर से 24 घंटे का टाइम मिला था जिसमें से बहुत घंटे खर्च हो चुके, कुछ ही घंटे बचे हुए, अगर हमने सब कुछ प्रूफ नहीं दिया गवर्नमेंट को तो काम खराब हो जाने वाला है। भाई एंट्री पर ही दो चाचा खड़े हुए हैं, अंदर जा करके देख ड्राइवर अंदर कौन है, दो गैंग वाले बंदे बैठे हुए हैं, लगता है कोई केस चल रहा होगा या फिर अपने भाइयों से मिलने के लिए आए होंगे। आपको पता है लॉस सैंटोस में हर तीसरा बंदा माफिया है। ड्राइवर ब्रो अंदर निकल, आराम से अंदर जाने की कोशिश कर, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है भाई चलिए अंदर की तरफ निकलते हैं। ड्राइवर जाता रहे,
अगर 1% बंदे ने रोकने की कोशिश करी तो कुछ और सोचेंगे। फिलहाल मुझे लगता नहीं भाई अभी बंदा मेरे को रोकने वाला है। बहुत बढ़िया भाई, किसी ने भी कुछ नहीं बोला, लगता है ऑफिसर ही समझ रहे हैं मुझे, आराम से निकल जाता हूँ। क्योंकि ये तो जूनियर है, हम इंस्पेक्टर है भाई, लगता है ये बंदे इंस्पेक्टर नहीं है, ये हमारे प्यार प्यारे भाई ऐसे कॉन्स्टेबल है। आराम से सारा का सारा काम हो गया ना, बहुत ही बड़े। तो मैं अंदर की तरफ आ चुका हूँ। देखो मेरे को इस पुलिस स्टेशन के बारे में इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरे को मैनुअली उस बंदे को ढूंढना पड़ेगा जिसको मैं ढूंढने के लिए आया हूँ। क्योंकि भाई इसका ब्लू प्रिंट ना अभी तक लेसर ने मेरे को नहीं बताया। जल्द सामने वाला जो रूम ना इसको चेक कर लेते हैं भाई, इसमें क्या मेरे को मिलने वाला है। ओके भाई मैं अंदर की तरफ आ चुका हूँ। ओके इस तरफ क्या है, ये क्या चीज़ें बना करके रखी हुई है, बड़ा अजीब पुलिस स्टेशन है यार। एक सेकंड, यहाँ पे एक पुलिस वाला बंदा खड़ा हुआ है, एक क्रिमिनल से बात करने में लगा हुआ है। मुझे लगता है भाई ये एक तरीके की प्राइवेट जेल है और सेल है। देखो यहाँ पे सारे सारे बंदे क्रिमिनल है शायद से, इनके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ शायद से। देखो मेरा आइडिया है या बिल्कुल सही बात है, इसके अंदर तो नहीं, तो खाली था एरिया। इसके अंदर कोई है क्या? हेलो हेलो। ओके भाई देखो है, क्रिमिनल बंद करके रखे हुए हैं। ये बंदे का प्राइवेट सेल है, जैसे कि आप पढ़ भी पा रहे होगे, सेल नंबर 3 यहाँ पे बंदे को बंद करके रखा हुआ है। बहुत ही बढ़िया, ये हो गया सेल नंबर 2 और चाचा इसमें बंद है। तो फिलहाल मैं तो अंदर की तरफ गलत जगह पर आ चुका हूँ और ये सेल नंबर 1 है, सारे के सारे सेल फुल है भाई। सीधी सी बात है, लॉस सैंटोस है, यहाँ पे बंदे अंदर ज्यादा रहते हैं बाहर कम रहते हैं। ये बंदों का मजा आता है पुलिस वालों के साथ टाइम स्पेंड करने में। तो फिलहाल भाई ये वाले एरिया में तो वो बंदा नहीं मिलने वाला, वो पुलिस वाला बंदा है ना, वो क्रिमिनल है। आगे निकलते हैं। तो फिलहाल भाई अभी देखो ये फोन पे लगा हुआ है, कोई बात नहीं। अब मैं जाता हूँ भाई, देखो 3 रूम है मेरे सामने, पहले इसमें ट्राई कर लेते हैं। हेलो हेलो अच्छा जी जल्दी से अंदर घुसता ड्राइवर ब्रो, कोई है क्या, कोई है क्या इस वाले रूम में? एक बंदा है भाई, फोन पे लगा हुआ है, शायद से वही बंदा है। एक सेकंड इसको चेक करना पड़ेगा मेरे को भाई, एक सेकंड। देखो भाई पीछे से मैं थोड़ा आइडिया नहीं लगा सकता, एक बार बंदे को देख तो लूँ किसी तरीके से, कैसे देख पाऊंगा मैं भाई। थोड़ा सा आगे जाकर ट्रायल कर ले ड्राइवर, थोड़ा स्लो मोड में आ जाकर इस नमूने का पता चल गया ना भाई, बहुत बहुत ज़्यादा काम खराब हो जाएगा। ये वही टकलू है भाई, मैंने इसको पहचान लिया। ड्राइवर आराम से चल, आराम से चल। फिलहाल ये फोन पे लगा हुआ है भाई, पता नहीं क्या बातें कर रहा है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे भाई मेरा पैसा चाहिए, मैंने बड़े आराम से काम किया है, जो मेरे को मिस्टर टोनी ने बोला मैंने वो सारा का सारा काम किया। अगर मेरे पैसे 1 घंटे में नहीं मिले ना तो मैं खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हें एक एड्रेस देता हूँ, वहां पर आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे सारे राज फिर मैं बता दूंगा कि तुमने ऐसा सा काम किया ड्राइवर के साथ में, समझ रहे हो? बहुत बुरा होगा, जल्दी से मुझे मेरे पैसे दो, 1 घंटे के अंदर अंदर मेरी जगह पर आओ, मैं निकल रहा हूँ बस पुलिस स्टेशन से। भाई साहब किसको कहते हैं किस्मत अच्छी हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। फिलहाल ये नमूना फोन पे तभी बोलू मैं इतना क्यों कंफ्यूज है, इसने मेरे ऊपर भी ध्यान नहीं दिया। मतलब मैं इसके रूम में घुस गया भाई, इस बंदे ने तब भी मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया। बड़ा अजीब बंदा है सही में, कैसे कैसे कमाल के बंदे। यहीं से निकलना है ड्राइवर, आराम से निकल जा फटाफट से। तो फिलहाल जल्दी निकलता हूँ, जल्दी निकलता हूँ भाई, पता है क्यों? तो अभी ये बंदा जाने वाला है मिलने के लिए उन्हीं बंदों से। इसने काम तो कर दिया, बोल रहा है कि मैंने ड्राइवर को फंसा दिया और मेरे को पैसे नहीं मिले, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें ये और वो। 1 घंटे के अंदर मैं एक जगह पर आ रहा हूँ, वहां पर आ जाओ तुम सारे के सारे बंदे, ये इसने बोला है। तो इसका मतलब भाई ये किसी से मिलने के लिए जा रहा है पैसे लेने के लिए, बस फंस गया मुर्गा। आपको बताया अब क्या करूंगा मैं, जब ये बंदों से पैसे लेगा ना मैं ना उस चीज की फोटो लूंगा कि देखो रिश्वत लेता आपके पुलिस वाला बंदा क्रिमिनल से वगैरह वगैरह, और बस इसकी जो आपको पता है खतरे में हो जाएगी भाई। क्योंकि आपको पता है अगर कोई बंदा ऑन ड्यूटी रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया ना तो फिर तो सस्पेंड होना मतलब पक्का है, और ऊपर से फिर कभी जॉब भी नहीं मिलेगी, बहुत बुरा काम हो जाता है। तो इसलिए ये बंदा वो ही करेगा जो मैं कहूँगा, फिर आएगा मज़ा। वेट करते हैं यहाँ से निकलने दो, इसको तो मैं बनाऊंगा, पैसे लेने जा रहा है ना। मैंने सोचा था यहाँ पे कुछ लूप होल निकालूंगा, मैंने तो पेन ड्राइव भी लगा दी है, अब वो चीज़ कोई दिक्कत नहीं है, अब ये खुद ही फंसेगा जा करके। भाई हमारे प्यारे ऑफिसर टकलू यहाँ पर आने लग रहे, देखो कैसे बड़ी गुस्से में आ रहे, बड़ी आराम से। फिलहाल एक बंदे को बोला मेरी गाड़ी निकालो और बंदे ने गाड़ी निकाली और फिर आ रहे हैं। मतलब भाई इसकी ना लेवल थोड़ी ऊंची है, ये बंदा इंस्पेक्टर से भी ज़्यादा ऊंचा लग रहा है मुझे। तो फिलहाल देखो कैसे आ रहा है बड़े आराम से। ओके भाई ये गाड़ी में घुसने वाला है, तो चल तो सही, तेरे को तो फॉलो मैं करूँगा। बंदा अपनी गाड़ी में जाकर के आराम से बैठ चुका है, सामने से ट्रेन क्रॉस हो रही है। बड़ी घटिया टाइमिंग है, बड़ी घटिया टाइमिंग है। चाचा क्या होगा चला क्यों रहा इसको? ओके भाई बंदे ने गाड़ी चलानी शुरू कर दी है, ट्रेन में टक्कर मारेगा टकलू। अरे भाई 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 बड़ा बेवकूफ बंदा है, तो ट्रेन में टक्कर मार दी। अबे यार थोड़ा वेट कर लेता, कोई दिक्कत थोड़ी थी, आराम से चले जाएगा। सच्ची में भाई मैंने पहले ही बोला ना इस बंदे का लेवल कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा है। बंदे ने सीधा ट्रेन को उड़ाना चाहा इस थकी हुई गाड़ी से, हमने इतना ट्राई करा भाई ट्रेन को उड़ाने का, ऐसे ऐसी चीज़ों से उड़ाने की कोशिश करी, बट ट्रेन जल्दी से ख़राब नहीं होती। बहुत मुश्किल से फिर मैंने कमी निकाली है ट्रेन की, बड़ी मुश्किल से फिर उसको ख़राब किया जाता है। नहीं तो बंदे भाई किसी को ले आओ, हल्को भी ले आओ, तब भी ट्रेन नहीं रुकने वाली अपनी। ड्राइवर थोड़ा पीछे ही रहे बस, बढ़िया आराम से। तो देखते भाई बंदा कहाँ पे लेकर के जाने वाला है ये अपनी, अभी ना बस ऐसी जगह पे जाने वाला है, इसकी मौत ही समझ लो एक तरीके से। मैं जगह पर पहुंच चुका हूँ फिलहाल, बट मेरी गाड़ी मेरे को बहुत परेशान कर रही है भाई, क्योंकि ऐसी जगह से चढ़ती नहीं है, बहुत ज़्यादा स्लिप कर दिया। तो एक काम करता हूँ इस गाड़ी को चलो यहीं पर रहने देता हूँ, बट यार मैं नहीं चाहता कोई बंदे मेरे को देख ले, क्योंकि मीटिंग देखो पीछे चल रही है। ड्राइवर जल्दी चढ़ जा, जल्दी चढ़ जा भाई, कमाल ही कार है। इसको ना फॉलो करते टाइम ना लेके आनी नहीं चाहिए इसको, बस ना तवाही जब मचानी हो ना तभी लेकर के आएंगे आगे से। आज तो लेकर के आ गए कोई बात नहीं, आगे से तब लाएंगे।
जब हमें पता लग रहा है कि वॉर पर ही जाना सीधा तो किसी को मारने के लिए, तब वहां पे जाना बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है। चल 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 ट्रेवर ब्रो, आराम से ये पिटेगा, ये बंदा आज बहुत पिटने वाला है। एक बार मैं देखूं तो सही क्या क्या बातें चल रही है। तो मीटिंग करने के लिए यहाँ पर आया, सुनसान जगह पे, जंगल के एरिया में क्या बातें चल रही है। फिलहाल देखो सुन तो नहीं पाएंगे, बट बंदा लगता है और भी ज्यादा पैसे मांग रहा है नमूना। मुझे तो ऐसे लग रहा है इसकी बातों के हिसाब से बोले जा रहा है कि भाई पैसे दे दो वगैरह वगैरह, और पैसे पड़े हुए हैं। कितना माल चाहिए भाई, लालची बंदे तू तो गया 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 गया, अब तेरे को कोई नहीं बचाने वाला। फोटो कर खींच ले ट्रेवल इस बंदे का, चल 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 फटाफट से थोड़ा जूम ले ले भाई पैसों में जरा, आज इस ऑफिसर को भाई कोई नहीं बचाने वाला। ये लो फोटो ले लिया है, बात खत्म। फोटो मेरे पास आ चुका है, मीटिंग खत्म हो जाने दो, फिर बनाता हूँ सभी का नेता। देखो अभी मैं किसी को नहीं मारूंगा, ये बंदे जो गैंग वाले हैं इनको चले जाने दो, जब ऑफिसर यहाँ पर रहेगा ना तब अकेले जाकर किससे बातें करूंगा, फिर आएगा असली मजा। चल भाई ट्रेवर थोड़ा सा वेट कर ले, मीटिंग खत्म हो जाने दे, इसको झटका तो देना बनता है ना। अब देखते हैं इसको अपनी जॉब प्यारी है पैसे प्यारे है, पैसे प्यारे होंगे तो फिर मेरे को नहीं बताएगा, बट अगर जॉब प्यारी होगी ना सब कुछ तोते की तरह बोलने वाला है बंदा। फिलहाल भाई 5 या 10 मिनट के बाद में वो तीनों के तीनों मतलब जितने भी सारे गैंग के बंदे थे वो तो अपनी गाड़ी में बैठ करके जा चुके हैं। फिलहाल ये नमूना अभी भी यहीं पर खड़ा हुआ है भाई, और फिलहाल ना अपनी गाड़ी में से सारा कैश डाल लिया डिग्गी में और फिर से फोन को यूज कर रहा है। तो अब मैं इससे जाकर के बातें करता हूँ, अब बड़ा बुरा फंस गया, अकेले मिल गया मेरे को। अगर पुलिस स्टेशन में मिलता थोड़ा टाइम लगता, मेरा टाइम खराब होता, बट ये तो यहीं पर फंस गया। हेलो चाचा बकरे कैसे हो भाई साहब, ऊपर तो देखिए। ट्रेवर अरे यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमने अपने जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी मेरे सामने आकर के ट्रेवर, अब तुम्हें मैं अरेस्ट करूंगा और तुम यहाँ से जा नहीं पाओगे। इतना उछल रहा है, कितना उछल रहा है देख रहे हो भाई। अरे रे रे टकलू भैया आराम से शांति से, क्योंकि अभी आपको जो बात बताने वाला हूं ना, एक फोटो दिखाऊंगा मैं जरा, आपको जरा ध्यान से देखिएगा इस फोटो को, मजा ही आ जाएगा। ट्रेवर ये तुमने कब लिया? ट्रेवर देखो ये कुछ नहीं है, ये सब वैसे ही था, ये मेरे दोस्त रहे थे, ये बंदों को मैंने अभी अरेस्ट करते। देखो ट्रेवर तुम क्या करने वाले इस फोटो से, प्लीज देखो मेरी बात सुनो, जो कुछ भी करने से पहले प्लीज एक बार मुझसे बात कर लो, सब कुछ बैठ के बैलेंस में कर लेते हैं ना। देखो प्लीज 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 ट्रेवर ये फोटो बाहर मत देना, प्लीज प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। देखो जैसे तुम समझ रहे हो ऐसा नहीं है, हम जैसे समझ रहे भाई ऐसा ही है। कितना झूठा टकलू है, बोल रहा है कि मेरे को गलतफहमी हो रही है, कुछ और डील चल रही थी। टकलू भैया मुझे सब पता है, रिश्वत लेता हूँ पकड़ा गया तू। अब देख ये फोटो, अगर तू चाहता है किसी के पास ना जाए, अब बोल कैसे हम अपना टिकट वापस ले। जो तूने केस लगाया है ना मेरे ऊपर कि मैंने टोनी को मारने की कोशिश करी, तुझे पता है सब फर्जी काम है, इसका तोड़ निकाल जल्दी से। बोल तूने उस गन पर फिंगरप्रिंट लिए थे मेरे, मतलब कैसे लिए मेरे को नहीं पता, अब तू बता कैसे वो केस तो दूसरे को ऊपर डाइवर्ट करेगा। तेरा टैलेंट मुझे देखना है ब्रो, बस उस केस को हमारे ऊपर से किसी और के ऊपर हटवा दे, बात खत्म। अब बोल करना क्या है चाचा, अभी तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट का टाइम है, नहीं तो उसके बाद पूरे लॉस सैंटोस की पुलिस के पास ये फोटो होगा। मेरे प्यारे भाई ने मुझे एक छोटा सा प्लान बताया, मतलब कि इसने वैसे आइडिया दिया। देखो कितना खतरनाक और बेकार बंदा ये, मतलब किसी का सगन है, किसी को भी धोखा दे सकता है। जैसे कि फिलहाल चलिए इससे बाद मिलता हूँ पुलिस स्टेशन, मेरे को मिलने वाला ठीक है चाचा, पहुंच जा मैं करके आता हूँ सारा काम। इसने मुझे बोला ट्रेवर भाई मैं आपको एक बंदे की इन्फॉर्मेशन देता हूँ जिसने आपके फिंगरप्रिंट बना करके हमें दिए थे, आप उसको पकड़िए। फिलहाल वो बंदा भी काम करता है टोनी भाई के लिए ही, तो आप उसको पकड़िए पीटिए दबा करके और उसको अरेस्ट करके बस मेरे पास लेकर के आ जाइए, मतलब पकड़ के मेरे पास लेकर के आ जाइए। उसके बाद तो मैं उसे कमर तोड़ डालूंगा पीट पीट के, और फिर ये सारा ब्लेम मैं उसके ऊपर डाल दूंगा कि उसने ही गोली चलाई थी टोनी जी के ऊपर और जानबूझ के तुम्हारे फिंगरप्रिंट उसके ऊपर चिपका दिए, जिससे ये केस में तुम्हें वो फंसाना चाह रहे थे, बात खत्म। मैं पूरे केस को घुमा दूंगा ट्रेवर, बस मेरे को थोड़ा सा एक बंदा चाहिए, बस देखो कोई सोर्स चाहिए भाई, कोई एक ऐसा बंदा चाहिए जिसके ऊपर ये ब्लेम को डाल सके सारा का सारा, और वो बंदा परफेक्ट रहेगा इसके हिसाब से, नहीं तो भाई देखो केस हट नहीं सकता। अब गोली तो चली है ना, अब ये तो नहीं बोलेगा कि मैंने गोली चलाई है, तो इसको एक बकरा चाहिए फंसाने के लिए और बात खत्म। तो देखा जाए तो भाई इसका प्लान सही रहेगा, चलिए निकलते हैं, देखें हम भी तो सही भाई कौन है नमूना जिसने मेरे फिंगरप्रिंट बनाए। मेरी प्यारी गाड़ी तेरा क्या होगा, अमेजिंग लेवल है। एक तो घासों पर चलती नहीं है, एक घंटे में देखो कितनी फिसल रही है। मैं फाइट क्लब पर पहुंच चुका हूं, तो भाई फिलहाल ये फाइट क्लब नया नहीं है मेरे लिए, मैं पहले भी ऑलरेडी यहां पर बहुत बार आ चुका हूं। चलो ट्रेवर ब्रो नीचे उतरिए, चलिए चलिए जल्दी से, हम भी तो देखें कौन सा बंदा है। वैसे उस बंदे का फोटो मेरे पास सेंड कर दिया उस पुलिस वाले बंदे ने, क्योंकि इन सभी ने मिल करके तो फंसाया मुझे, बट अब ये अपने आप को बचाने के लिए किसी को भी फंसा सकता है, इतना बेकार बंदा है मैंने कभी नहीं सोचा था। ओके भाई हाँ तो लगता है फाइट चल भी रही है, बंदे बहुत सारे उछलने में लगे हुए। चाचा जी देख रहे हो सही में यार, अबे तुम कैसे डर रहे हो, वो बंदे तालियां बजा रहे, तुम डर रहे हो, लगता है तुम्हारा बंदा हार रहा है क्या, देखना चाहते हो। ओके तो सामने फाइट चलने में लग रही है, बहुत सारा ब्लड ब्लड पड़ा हुआ है, अमेजिंग लेवल काम यहाँ पे चल रहा है। तो फिलहाल देखो भाई इन चड्डी में से कौन से वाला अपना चड्डी वाला है। ओके रेड चड्डी वाला बंदा अपना है, मैंने देख लिया भाई उसके हेयर स्टाइल से पहचान लिया मैंने बंदे को कि रेड वाला अपना है, और ये छोटी चड्डी वाला बंदा दूसरा जो चड्डी में ये सिर्फ ये अपना बंदा नहीं है। तो चलिए देखते हैं इन दोनों में से कौन आखिर गिरने वाला है, और जो बचेगा फिर उसको मैं
गिरा दूंगा। अगर ये बंदा नहीं गिरा तो इसको मेरे को गिराना पड़ेगा, बट अगर इसने इसको गिरा दिया तो मैं इसको $1,000 मतलब $1,000 दूंगा इनाम के कि तूने मेरे दुश्मन को गिरा डाला। बात ही खत्म है। मुझे वैसे लगता नहीं है भाई छोटी छड्डी वाला कुछ ज्यादा ही लंबा पिटने वाला है। अबे ब्रो बेइज्जती मत करा यार, मार डाल इसको। ये मानेगा ही नहीं। ना भाई इसमें इतना दम नहीं है, मैंने देख लिया इसको तो ये ज्यादा पीट रहा है भाई, ये रेड चड्डी में ज्यादा। नहीं नहीं भाई पीली चड्डी ने मारा, नहीं 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 अभी पिटा। अरे रे रे इनकी चड्डियों के चक्कर में कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट ही हो रहा है भाई। एक काम करते हैं अपने आप ही लड़ डेलते हैं, मतलब कि मैं बीच में घुस जाता हूँ, इसको बोलता हूँ चाचा तू दूर हट मैं इसको मारूंगा, हम भी देखे इसमें कितना है दम। चलिए भाई थोड़ा सा चेंज करते हैं अपनी फाइट में। छोटी चड्डी ब्रो एक काम करो तुम पीछे हटो, इससे तो मैं लड़ूंगा। हट जा ब्रो हट जा, हम भी देखे किसमें कितना दम है। मैंने उसको भाई दूर कर दिया है और ये बंदा तो कहते ही मुझसे लड़ाई करना शुरू कर रहा है, देख रहे हो। इसका मतलब ये तो मेरे को पहले से जानता है और सीधी सी बात है इसने तो मेरे फिंगरप्रिंट बनाए हैं। पेट इतना मारूंगा तुमने कभी सोचा नहीं होगा, मेरे फिंगरप्रिंट बनाएगा इतना बड़ा होगा तेरे तो डंडे मार मार के पैर तोड़ डालूंगा। चाकू निकाल ड्राइवर, छेद कर इसके पेट में, छेद कर वैसे चाकू मारूंगा तो गड़बड़ जाएगी। पुलिस वाले भाई आपको बताए फिर गड़बड़ जाएगी, पुलिस का डंडा जब पड़ेगा तो पहलवान भी ढेर हो जाते हैं। ये ले बेटे चाचा तो पीछे खड़ा नहीं तो डंडा लग जाएगा। ट्रेवर ऐसे गुस्से में चारों तरफ मजा देता है, ये अभी इसको सीधा मैं कर। अरे ले भाई 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 मैंने बोला था ना सो सॉरी ब्रो, ट्रेवर यार कभी मजा देता है इसका मूड खराब होता है तो फिलहाल सो सॉरी तेरे गलती से लग गया। तो पॉइंट क्या है, अपना नमूना हो चुका है बेहोश और रे सर्वर फट गया भाई, खून बहुत ज्यादा निकल गया। कोई दिक्कत नहीं पहलवान रिकवरी कर लेगा। अब इसको लेके चलता हूँ गाड़ी में डिग्गी में, देखो ताली बजा रहे अभी भी। अबे नमूना तुम्हारा बंदा पीट डाला अभी भी ताली बजा रही हो। पहलवान भाई को मैंने उठा लिया है, पहलवान जी वेट बहुत 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 ही ज्यादा है। कोई बात नहीं ट्रेवर ब्रो तू आराम से इसको लेकर के सकता है। अबे किसके ऊपर ताली बजा रहे हो, लगता है भाई वो बंदा ज्यादा एक्टिंग दिखा रहा है अपना। दूसरा जिसको मैंने हटाया था वो बोल रहा है मेरा दुश्मन मारा गया, तो भाई मारा तो हम नहीं है, फिर तालियां उसके लिए क्यों बजाई जा रही है। अलग लेवल के स्वैग वाले बंदे होते हैं यहाँ पे। ओके मेरी प्यारी प्यारी गाड़ी कहाँ पर है पहलवान जी, सो सॉरी देखो पर्सनल मत लेना बट आपने बिना जाने पहचाने ट्रेवर के ऊपर उल्टा काम किया, फिलहाल सो सॉरी घेरने के लिए। चलो मेरी डिग्गी खुल जाएगी तो आराम से आ जाएगा पहलवान। अरे रे 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 आ भी जाएगा, नहीं आएगा पहलवान, मोड़ तोड़ के भी नहीं आ पाएगा। अगर इसको फोल्ड भी करूँ ना मैं से ये तब भी नहीं आ पाएगा इसमें। फिलहाल मेरी प्यार डिग्गी क्या यार, मैंने सोचा था कंपनी जेम्स वाली गाड़ी की डिग्गी बहुत बड़ी है, इस चीज़ में भी ये कमी पड़ गई। चलिए एक काम करते हैं फिर इसकी खिड़की खोल लेते हैं दूसरी वाली और उसमें ही पहलवान जी को डाल देंगे। पुलिस स्टेशन भाई अब पहुंच गया, गाड़ी में से मैंने पहलवान को निकाल लिया है। चलिए अपने आप को इनोसेंट साबित करते हैं। अब तो अगर कोई बंदा मेरे को पहचान भी लेगा ना तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, और अभी मेरे को पुलिस की यूनिफॉर्म पहनने की कोई जरूरत नहीं है, सारा काम आराम से ट्रेवल कर सकता है। ट्रेवल ब्रो आराम से निकलिए, चलिए 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 फटाफट से। ओके भाई फिलहाल उसी के रूम में लेकर मैं चलता हूँ, मेरा वेट ही कर रहा है, मैंने ऑलरेडी बात कर ली है जल्दी से। चलिए भाई तो फिलहाल सामने की तरफ मेरे को बंदा मिलने वाला है, ये रहा उसका कैबिन। चलिए 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 चाचा जी सो सॉरी आपको लेकर के आया हुआ ऐसे की तरफ। हेलो भाई अबे तो फोन भी लगा रहा था नमूने, अब कौन सी टेंशन हो गई, मेरी सुपारी दे रहा है फिर से। ऑफिसर से बात कर लिया, ऑफिसर मेरे को बोल रहे ट्रेवर सर सिर्फ आधा घंटा दीजिए, आधे घंटे के अंदर अंदर आप देखिएगा सब कुछ बदल जाएगा, न्यूज़ पे आप देख लीजिएगा, आपके ऊपर से ब्लेम हटके इसके ऊपर चला जाएगा, अब आप टेंशन मत लीजिए, अब मैं इसको फंसा डालूंगा। तब मैंने बोला ठीक है भाई तो अपना काम कर, अगर तूने नहीं किया ना कुछ भी चला की तो मैं तेरे को सीधा कर दूंगा। ओके ब्रो आधा घंटा दिया आपको, करिए करिए काम करिए। तो फिलहाल भाई ये था वो बंदा जिसने फिंगरप्रिंट बनाए थे, चलिए बढ़िया बात है, इसको सजा मिलनी चाहिए थी, ड्राइवर को फंसाएगा इतना बड़ा हो गया था। गए तो चलिए खैर जैसा भी है प्रॉब्लम दूर हो चुकी है, अब कम से कम हमारा टिकट कैंसिल नहीं होगा, हम अभी भी इलेक्शन में रहेंगे। नहीं तो स्टोनी ने हमें तो ऐसा मतलब ऐसा काम किया हमारे लिए, हमें इलेक्शन से हटाना चाह रहा था। अगर ड्राइवर एक बार इलेक्शन से हट जाएगा तो फिर किस चीज़ के लिए मेहनत करेगा, पर ट्रेवर बहुत लंबी चीज है उसको पता नहीं है, ट्रेवर कुछ भी कर सकता है इलेक्शन जीतने के लिए। आधा घंटे से ऊपर हो चुका है भाई, लगभग उस बात को 40 से 50 मिनट हो चुकी है, बट अमेजिंग न्यूज चल रही है। लेस्टर ने मेरे को बोला ट्रेवर अपना प्लान वर्क किया। फिलहाल न्यूज पे एक नई न्यूज दिखाई जा रही है, मतलब की अपडेटेड न्यूज ये आ रही है कि फिलहाल जो कल एक अटैक हुआ था टोनी विलियम्स के ऊपर उसमें एक नया खुलासा ये है कि ट्रेवर ने अटैक नहीं किया, एक अलग ही बंदा था फाइटर जो कि फाइट क्लब में फाइट करता था उसने अटैक किया और ट्रेवर को फंसाने के लिए उसके फिंगरप्रिंट को यूज किया। न्यूज पे यही बता रहे भाई हर एक न्यूज चैनल पे। तो फिलहाल चलिए अपना काम खत्म, अभी ट्रेवर ने अटैक किया नहीं तो भाई मेरा प्रेजेंट दोस्त वो मेरा मतलब कि हम भी सेफ, मैं सेफ तो मेरा प्रेजेंट दोस्त सेफ, अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब तो टोनी रोने वाला है और इस तकले पुलिस वाले को नहीं छोड़ेगा, इसने अपने आप को बचाने के चक्कर में टोनी का सारा प्लान ही खराब करवा दिया। मैंने तो पहले ही बोला था भाई ऑफिसर है, इसको जो अपनी जॉब बहुत प्यारी है, मानता हूँ दो नंबर का काम करता है, बट ऑफिसर अपनी जल्दी से जॉब नहीं खोना चाहते क्योंकि भाई लाइफ टाइम की चीज़ें ऊपर से रिटायरमेंट में मिलता है, अब माफिया के साथ काम करने का क्या फायदा, क्या पता कब पैसे देने बंद कर दे, तो इसलिए आदमी आगे की सोच करके चलता है। ड्राइवर अभी चलो हमारी एक जीत तो हो गई है मेरे भाई, बट अभी तो ये मत सोच कि हम पूरा का पूरा जीत गए हैं, अब हमें कुछ ऐसे से काम करने हैं जिससे इस लूसीफर का दी एंड कर दे और उस डील 47 का भी। अब तू ना कुछ कमियां ढूंढ इनकी और इन गैंग वालों के भी, क्योंकि गैंग वाले भी चैन से नहीं बैठे ड्राइवर, बड़ी परेशानी होकर के रखे तेरे ऊपर, कभी भी अटैक कर देंगे ये बंदे, मैं देख रहा था लॉस्ट वाले पागल होकर के रखे। तो एक काम कर लॉस्ट वालों के बेस पर जा, कुछ खिचड़ी बन रही है ड्राइवर वहां पे जाकर के चेक कर और कुछ लूप होल निकाल इन सभी गैंग के बारे में, डील 47 के बारे में और लूसीफर के बारे में, जिससे हम सिर्फ एक ही काम करें
और सब खत्म हो जाए। ड्राइवर समझ रहे हैं ना मेरे प्यारे भाई मेरी बातों को? तू समझ गया भाई मैं रसगुल्ले की बातों को? टेंशन क्यों ले रहा है? मैं हिले रसगुल्ले, अभी जब मैं आया मैंने देखा तेरे कपड़े शायद से अलग थे, तू इतनी जल्दी से आउटफिट चेंज करता है, अबे तेरा क्या होगा लेसर? ठीक है यार चल मैं भी आउटफिट बदल लेता हूँ, अभी पुलिस वाले कपड़ों को जरूरत नहीं है, हमने जो काम करना था, हमें इनोसेंट साबित होना था ना, वो हो चुका है। पुलिस वाले कपड़े बदल करके जल्दी से निकलता हूँ भाई लेस्टर की बताई जगह पर, जहाँ पे लॉस वाले बंदे कुछ प्लानिंग बना रहे, इसके हिसाब से जा करके चेक करता हूँ। अगर भाई सच्चे बना रहे होंगे ना फिर तो दिमाग खराब हो जाएगा। चलो चलो ड्राइवर भाई निकलो निकलो। मैं लॉस वालों की जगह पर पहुंच चुका हूँ लेस्टर के बताए के हिसाब से। आपको ये भाई जगह याद है? ये वही वाला बेस है, यहाँ पे मैं ऑलरेडी दो तीन बार आ चुका हूँ। इन बंदों से मैंने मतलब वो भाई अपनी रोबरी करी थी ना बहुत बड़ी गोल्ड की, तो यहीं पर वो बंदे गोल्ड लेकर के आ गए थे। ये इनका नया बेस है भाई, आजकल तो गोल्ड वाले यहाँ पर रहते हैं। दिल्लो स्टाफ देख रहे हो, ये कभी नहीं सुधरने वाले ये भाई, बहुत लंबे फ्रॉडर थे। कैसे खड़े हुए कार्टून यहाँ पे वैन लेकर के? कहीं जाने की प्लानिंग है क्या भाई? कुछ ना कुछ तो देखो जरूर चल रहा है। वेट करते एक काम करते ट्रेवलर, यहीं पर रुक, मैंने आउटफिट चेंज कर लिया। देखो जल्दी जल्दी भाई यही पहन करके आया हूँ, फिलहाल जो दूसरा पहना था उसको छोड़ो, फिलहाल अब की बार मैंने ये पहन लिया जल्दी जल्दी में सूट वगैरह, बात ही खत्म है। अच्छा लग रहा है ट्रेवलर में, पॉइंट क्या है, वेट करते हैं, देखते हैं कितनी देर में क्या होने वाला है। पूरी 20 मिनट खराब करने के बाद भाई चार बंदे इस वैन में बैठे हैं, दो आगे दो पीछे की तरफ, और आराम से बेल्ट करके चल पड़े हैं। और ये बंदे मुझे लगता है भाई जंगल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इस तरफ ना जंगल की तरफ ही जा सकते हैं और डेजर्ट की तरफ जा सकते हैं। अगर शहर में जाना होता तो पीछे से जाते, इन्होंने मतलब गाड़ी यहाँ से घुमा लिया, अपनी वैन को यहाँ से घुमा लिया है, तो ये वहाँ तक तो नहीं जाने वाले, ये कहीं अलग ही जगह पर जा रहे हैं। तो एक काम करता हूँ, इनको रोकूँ या फिर इनकी जगह पर जाने का वेट करूँ थोड़ा? चलो फॉलो करते हैं, अगर मुझे ऐसा लगा मेरे को थका रहे हैं या फिर जानबूझ के बेवकूफ़ बना रहे हैं तो फिर मैं इनको तभी मारूंगा। और एक काम भाई, गन स्विच कर लेता हूँ मैं तो इनको भाई अपनी जेम्स बॉन्ड वाली गाड़ी से उड़ा डालता, और ये सारे के सारे बेचारे वैन के साथ खत्म हो जाते। अभी बहुत बुरा काम हो जाता, मेरा सारा प्लान ही फेल हो जाता। SMG चलाएंगे भाई, नहीं तो सारा सारा काम ही खराब होगा। ये नॉर्मल गन है, जेम्स बॉन्ड वाली गाड़ी से अगर मैंने गोली चलाई ना बस तो फिर तो हो गया हमारा भला और इनका भी भला, फिर कुछ नहीं होने वाला किसी का भी। देखो भाई मैंने बोला था ना ये हाईवे पे जा रहे हैं, बहुत हो गए। काम करता हूँ इनसे ही पूछ लेता हूँ कब तक फॉलो करेंगे यार, ये तो लॉस वाले बंदे थका डालेंगे मेरे को, हमारे पास टाइम ही नहीं है। पहले आगे वाला टायर खत्म करते हैं फिर पीछे वाला करते हैं। अरे चाचा रुको तो सही भाई, लगता है गाड़ी की स्पीड तेज करती बहन की, कितनी दूर तक भगाएगा इस नमूनी बहन को भाई? दोस्त वाला नमूना नहीं मानने वाला। चाचा जी एक और खाइए। सारे के सारे टायर लगभग खत्म हो चुके हैं, ये शायद फ्रंट टायर बचा हुआ है। ओके भाई गाड़ी रोक दी है, पहली बार लॉस्ट वाले नमूने इतने शरीफ कि इन्होंने वैन रोकी। मेरे प्यारे भाइयों चारों के चारों चुपचाप बाहर निकलो अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो, समझ रहे हो ना यार भाई? प्लीज गोली मत चलाना, हमें मारना मत। देखो हम ऐसा कभी अभी मतलब कुछ ऐसा नहीं कर रहे जिससे आपको कुछ परेशानी हो, हम कुछ अपना प्राइवेट काम कर रहे हैं। प्लीज प्लीज ट्रेलर भाई, आपको शायद गलत इन्फॉर्मेशन मिली होगी, प्लीज हमें मत मारिएगा। प्लीज प्लीज प्लीज, देखो मैं आपको एक ऐसा राज बताऊंगा जिससे आपको ना बहुत फायदा होने वाला है। अगर आपको वो राज जानना तो प्लीज आप प्रॉमिस कीजिए कि आप हमें नहीं मारोगे। सच्ची में वो राज आपके शायद कुछ बहुत ज्यादा काम आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है। देखो हम कोई प्लानिंग नहीं बना रहे, मैं सच में बोलता हूँ, कसम खा के बोलता हूँ। दोस्त वाला बंदा बोल रहा है मैं कसम खा के बोलता हूँ, हम ऐसा प्लान नहीं बना रहे कि हम आपको मार रहे हैं वगैरह वगैरह, मतलब आपके लिए कोई प्लान कर ही नहीं रहे। लेस्टर भी फिर ये मरवा रहा है बंदा को मुझसे। और भैया भाई वैसे गैंग वाले बंदे भी है, और डील 47 के चक्कर में तो मुझे मारना चाहिए था, तब भी मुझे नहीं मार रहे, कुछ तो गड़बड़ है। चल ठीक है भाई, ऐसी क्या बात तो मैं तेरे को बता रहा था जिसकी वजह से मैं तेरे को छोड़ू? चल बता मेरे को, देखते अच्छी लगी बात तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। बंदे से मैंने बातें कर ली है, बंदा मुझे बोल रहा है ड्राइवर भाई आपको मतलब कि बस मैं क्या बोलूँ, आज एक ऐसी खतरनाक मीटिंग होने वाली है, दुनिया की सबसे बड़ी माफिया की मीटिंग आज होने वाली है, और वो आपको पता लगानी पड़ेगी कहाँ पर हो रही है। बट हमें इतना पता है वो आज ही होगी, लॉस सैंटोस के एरिया के आसपास होगी, जिसमें दुनिया का हर एक बड़े से बड़ा बदमाश आएगा, हिस्सा लेगा और बैठेगा और बातें करेगा। अब उसमें क्या बातें होगी ट्रेवर सर वो हमें नहीं पता। अब मुझे लगता है आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली बात, सच्ची है भाई, सही बात है सर मेरे को बताई, मेरे तो बड़ी काम आएगी ये बात, इसलिए मैंने इन तीनों को छोड़ दिया है फिर तो। इसके हिसाब से आज दुनिया की सबसे बड़ी माफिया मीटिंग हो रही है, वो भी सीक्रेट तरीके से, पता करनी पड़ेगी भाई। एक काम करते हैं यकूजा के पास निकलते हैं, यकूजा जो नमूना है ना वो ना हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन रखता है, और वो भी माफिया वाला बंदा ही है, बट वो लीगल माफिया है, इलीगल ऐसे नहीं कि मतलब पुलिस की नज़रों में ख़राब है, माफिया है बट आराम से काम करता है चोरी छुपके, तो उसको ज़रूर पता होगा इस मीटिंग के बारे में। क्या बता उसको पता ही हो भाई, मेरा आईडिया बिल्कुल सही से काम कर जाए। तो फटाफट से निकलता हूँ यकूजा के पास, पहले उसको फ़ोन कर लेता हूँ, यकूजा भैया मैं भाई पहुँच चुका हूँ जगह पर, यकूजा ने एक नया मेंशन लिया है भाई, तो उसने मुझे मिलने के लिए यहाँ पर बुलाया है। और फिलहाल अभी मेरे पास फ़ोन आया था मेरे उसी बंदे का जो प्रेजेंट फ्यूचर बनने वाला है, मतलब फ्यूचर वाला प्रेजेंट है मेरा दोस्त, उसने बोला ट्रेवर कॉन्ग्रेट्स यार, अभी मेरे पास मैसेज आया है कि अभी हमारा टिकट कैंसिल नहीं होगा, थैंक यू यार हेल्प करने के लिए, मैं दोबारा से अरेंजमेंट करता हूँ रैली का और बाकी सभी चीज़ों का। मैंने बोला ठीक है भाई तू कर ले, फिलहाल मैं अभी कुछ काम कर रहा हूँ बहुत ज़रूरी, तो आज मेरे को डिस्टर्ब मत कर, कल से मैं सारा सारा का बाकी काम करने वाला हूँ, तो फिलहाल चलिए भाई जल्दी से निकल जाता हूँ। अबे नमूनों गेट ही ओपन कर देते, वैसे गेट भी ओपन कर देगा, इतनी ज़्यादा गाड़ी खड़ी करके रखी है। यकूजा से मैंने सारी सारी बातें कर लिया, ऐसे बड़ा अच्छा बंदा है, बड़ा हेल्पफुल है यार, ये अमेजिंग लेवल का नमूना है। तो इसने मुझे बोला ड्राइवर भाई नहीं पता मुझे,
और एक और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए एक बात मैं बता दूं, ये मीटिंग हर साल होती है ट्रेवर, और इसमें डिसाइड किया जाता है कि अब प्योर कौन मरेगा और कौन नया गॉडफादर बनेगा और मतलब कौन हैंडल करेगा एक अगले साल तक सभी चीज़ों को ट्रेवर। तो ये मीटिंग मुझे पता है आज होने वाली है, तो मुझे पता है तुम ट्रेवर मुझसे ही पूछ रहे थे, तो मैंने बोला भाई मुझे क्या बताया कि ऐसा होती है, मुझे तो बताते नहीं है बंदे, मेरे को कभी बुलाया नहीं आज तक कभी ऐसी मीटिंग में। तो ये बंदा एक चीज़ और बता रहा है भाई, इस मीटिंग का ना एक रूल होता है, इस मीटिंग में मतलब जाने का किसी को भी नहीं पता रहता कि इस मीटिंग में जाना कैसे है, बस सिर्फ इनके पास रात के टाइम पे कुछ बंदे आएंगे इनको लेने के लिए, पिक करने के लिए, फिर इनको प्लेन में बैठा करके आंखों पट्टी बैठा मतलब लगा करके ले करके जाते हैं और पट्टी लगा के छोड़ जाते हैं। इसको भी नहीं पता और किसी और बाफे वाले बंदों को भी नहीं पता कि वो मीटिंग रखी कहाँ पर जाती है, होती कहाँ पर है। अमेजिंग लेवल है भाई। ये बोल रहा है कि भाई ट्रेवर इसे मैं तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता ब्रो, मैं कुछ भी नहीं बता सकता क्योंकि मेरे को खुद कुछ नहीं पता, मेरे को तो सिर्फ रात को बंदा लेने आएगा और मैं चला जाऊंगा उसके साथ में। और मैं एक बात मैंने फिर इसको ये भी बोली कि भाई तू एक काम करना, जब बंदा तेरे पास आए तो तू GPS वगैरह रख लेना, फोन की मैं तेरी लोकेशन ट्रैक कर लूंगा। तो बंदा बोलता है हम फोन नहीं ले जा सकते और GPS तो भूल ही जाओ ट्रेवर, मतलब नहीं है वो, तुम हमें फॉलो उस टाइम नहीं कर सकते, अगर फॉलो करने की कोशिश करोगे ना हमारे प्लेन को तो बहुत बुरा होगा। GPS भाई बंदा नहीं रख सकता अपने पास में और अपना फोन भी यहीं पर छोड़ करके जाएगा, तो इसलिए यकूजा इस चीज़ में मेरी कोई हेल्प नहीं करेगा। वैसे इसने काफ़ी इन्फॉर्मेशन मेरे को इस चीज़ की दे दी है, तो मीटिंग बहुत सीक्रेट तरीके से होती है, तो मेरे को पता लगाना पड़ेगा भाई उन बंदों के बारे में जो रात को इनको पिक करने के लिए आते हैं, क्योंकि उनको पता है लोकेशन कहाँ पर है। ये है सच्ची बात, मतलब सही बात। तो फिलहाल चलिए यकूजा ब्रो, कोई टेंशन नहीं, हम पता लगाएंगे। लेस्टर ब्रो एक बात बता यार फटाफट से कि यार ये अब बंदे कौन होते हैं जो रात को इनको लेने के लिए आते हैं, तो उनके बारे में पता लगा, लोकेशन उनको पता है ना कि इनको, क्योंकि इनके आंखों में पट्टी लगा देते हैं ले जाते टाइम पे। पूरा एक घंटा लगा बट भाई लेस्टर ने मजा उठा दिया सच्ची में। लेस्टर यार कमाल का बंदा है, ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन ढूंढ करके निकाल देता है। लेस्टर ने अपने पूरे सोर्सेज को यूज करा यहाँ के अलग अलग जगहों के, फाइनली हमें पता लग गया भाई कौन बंदा हमें इन्फॉर्मेशन दे सकता है इस मीटिंग के बारे में। फिलहाल यकूजा ने जो बोला था बिल्कुल सही बात है, बट यकूजा ने बोला था कि बहुत सारे बंदे हमें लेने के लिए आते हैं, उन सभी को पता रहता है, उन सभी को नहीं पता रहता मीटिंग की जगह के बारे में, सिर्फ एक ही बंदे को पता रहता है और वो बंदे के बारे में पता लग चुका है। तो फिलहाल अभी चलता हूँ मैं उसके पास में, फिर वो बंदा जब पता क्या होता है जब रात के टाइम पे इन सभी को घर से लेकर के आ जाता है, वो बंदा कुछ गार्ड्स को बोलता है कि जाओ इन सभी को लेकर आ जाओ इनके मतलब इनके घर से, फिर इनको लेकर के चलते हैं प्लेन में, और वो बंदा प्लेन वाले बंदे को गाइड करता रहता है कि यहाँ पे लेके चलो वहाँ पे लेके चलो, एक ही बंदा इसको सब पता रहता है, फिर बाद में वो सभी को बताता रहता है धीरे धीरे जब बैठे रहते हैं मतलब उनके गार्ड्स, मतलब देखा जाए तो सिर्फ एक ही बंदा रखता है इन्फॉर्मेशन। बढ़िया बात है, नहीं तो यार इतने सारे बंदों को पकड़ना पड़ता और दिक्कत भी होती। और फिलहाल पता है बंदा कौन है भाई जो हमें इस बारे में मतलब इन्फॉर्मेशन दे सकता है जिसके ये पता है चीज़ें। लेस्टर के हिसाब से वो बंदा अभी भाई हाई टेबल वाला जो अपना सेफ हाउस था, फिलहाल आजकल नो गोड का सेफ हाउस है, वहीं पर वो बंदा रुका हुआ है। आपको बताया वो होटल भी है, तो फिलहाल वहीं पर उसी होटल में वो बंदा रुका हुआ है। चलिए चलते जल्दी से उसको दबा करके पीटते, मैं पहुंच चुका हूँ नोगोड वालों के होटल पर। तो भाई अभी ना मैं यहाँ पे ऐसे जाऊंगा। फिर लेस्टर से मैंने पूछा बता आउटफिट क्या चेंज करूँ, पुलिस वाला बन के जाओ ये वो, उन्होंने बोला नहीं सिंपल जा ड्राइवर, अगर तू उल्टा सीधा बन के जाएगा तो बंदों को शक हो जाएगा, नोगोड वाले बंदे तेरे को जानते हैं, इसलिए तू नॉर्मल जा, कोई मास्क यूज मत कर, कोई हैंक यूज करो मत, मतलब कुछ भी यूज मत कर, सिंपल जा होटल है आराम से, बस ऐसी बातें कर फॉर्मल तरीके से और कोई दिक्कत नहीं है, अभी तू बस प्यार से जाना, अगर तुझे लगता है कि बंदे तेरे ऊपर शक कर रहे हैं तो आ जाना, कुछ और सोचेंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं। तो ठीक है भाई चलिए मैं आराम से चलता हूँ। एक टाइम पे ये इतना प्यारा प्यारा यार होटल अपना था, इसको दोबारा से अपना कर लेंगे। नोगोड वाले बंदे कौन सा अपने आगे इतने खतरनाक बंदे हैं, उनको तो मैं कुछ मानता ही नहीं हूँ, आपको बताइए, उनको तो बाद में सीधा करूंगा। हेलो भाइयों कैसे खड़े हो, अबे गार्ड्स रख लो, खुद ही खड़े हो गए हो, नोगोड वाले बंदे कभी नहीं सुधरने वाले, देखो कैसे देख रहे हैं नमूनों के सरदार। तो फिलहाल देखो हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, बंदा कौन से रूम में रुका हुआ है वगैरह वगैरह कहाँ पर है, तो चलिए एक काम करता हूँ फिलहाल वैसे ही एक रूम लेने का ड्रामा करता हूँ। सामने दो लड़कियाँ खड़ी हुई है ना, इनसे रूम ले लेता हूँ एक भाई जल्दी से। अरे यार ये बाला वाले लाइन लगा करके बैठे हुए हैं, थोड़ा टाइम लगने वाला है मेरे को, एक रूम लेता हूँ, ऊपर निकलता हूँ और फिर उस बंदे के रूम में घुसूंगा जैसे भी मेरे को तरीका हो। भाई पूरी की पूरी 10 मिनट खराब कर दी इन बाला वाले बंदों ने, बट फाइनली मेरे को एक रूम की मिल गई है और आंटी ने बोला ओके सर ये आपकी रूम की है, जल्दी जाइए आप आराम से रुक सकते हैं। फिलहाल होटल वैसे ही फुल होता जा रहा है ड्राइवर सर, अच्छा वो आपका मतलब लक लग गया आप जल्दी आ गए, नहीं तो सारे सारे रूम हमारे ना बुक हो जाते, मतलब सारे सारे यूज़ हो जाते, फिर कोई भी खाली नहीं रहता। फिलहाल देखो उसने जो मेरे को रूम की दी है ना, पहले वो वाले जाके चेक कर लेता हूँ क्योंकि वो तो खाली होने वाला है, सीधी सी बात है। कौन सा वाला रूम है भाई 203, ना ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं, आगे तरफ निकलता हूँ। चल 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 ड्राइवर भाई कहाँ पर है 201, ओके भाई ये है अपना 201 वाला जो नंबर है ना, ये मेरा रूम है। बहुत ही बढ़िया सिंपल ही रूम है यार, वैसे नहीं इतना सिंपल भी नहीं है, अमेजिंग है यार, सही लग रहा है इतना सिंपल इतना मैंने सोचा था। रूम देखने फिलहाल हम नहीं आए हैं, रूम को छोड़िए अभी वेट करता हूँ, जब यहाँ पे थोड़ा सा माहौल शांत रहेगा तब हम निकलेंगे अंदर की तरफ और उस बंदे के रूम में घुसूंगा आराम से चुपचाप रात के तरी मतलब रात के टाइम पर,
और उसको तो मैं सीधा करने वाला हूँ फिर थोड़ी देर में। रात हो चुकी है भाई, रात के लगभग 2 से ऊपर बजे हुए हैं, कोई नहीं है, पूरा लगभग होटल का स्टाफ सो चुका है भाई, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होता है 2 से 3 बजे ना ज्यादातर बंदे सो ही जाते हैं, मतलब 90% बंदे सो जाते हैं। अब भाई सोने वाले को तो फिर मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, सोने वाले तो बहुत से बंदे ऐसे होते हैं 4-4, 5 बजे तक सोते हैं, अब उसकी कोई बात है नहीं। वैसे नॉर्मल जो टाइम होता है ज्यादातर बंदे सो जाते हैं 2 से 3, बहुत खतरनाक टाइम होता है उस टाइम पर, तो वैसे भी गहरी नींद हो जाती है। ये जो आप रूम देख रहे हो ना सामने वाला, इसमें ही बंदा मुझे मिलने वाला है। टह ब्रो चल फटाफट से इसको ओपन करने की कोशिश कर। ये है 205 रूम। फिलहाल भाई मैं सारी चीज़ें लेकर गया था, मैं लॉक पिक लेकर गया था, आराम से अपना लॉक टूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मैंने भाई रूम का लॉक तोड़ दिया है, आराम से चेक करते हैं। हेलो भाई रूम में कोई है क्या? चाचा जी कोई घर पर है क्या? चाचा जी तो यहाँ पर है ही नहीं भाई, पूरा का पूरा रूम खाली पड़ा हुआ है। अभी लेसर तेरी इन्फॉर्मेशन गलत है क्या? नहीं नहीं भाई एक सेकंड चेक करते हैं, पीछे भी रूम है और ये वॉशरूम है। अरे बंदा वॉशरूम में तो नहीं है? आराम से ट्रेवर दबे पाओ आ जा। बस 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 चेक कर चेक कर चेक कर, वॉशरूम खुला है या बंद है वो तभी पता चल जाएगा, खुला है क्या? खुला है क्या? ट्रेवर आगे चल थोड़ा सा आगे चल। ओके भाई खुला हुआ है। अरे रे रे चाचा गंदे काम कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे हल्के होने में लगे हुए और ध्यान लगा के बैठे। मैंने देख लिया भाई, मैंने देख लिया, थोड़ा ब्लर था कैमरा बट मैंने चाचा को देख लिया है। चाचा जी भाई अपना कुछ काम कर रहे हैं बेचारे, करने दो करने दो करने दो, फिर चाचा को वहीं पर पीट के बाहर लेकर कहूँ ऐसा ठीक नहीं होगा, ऐसा ठीक नहीं होगा, आने दो आने दो, कर लेने दो, उसके बाद करते हैं इसका इलाज। तुम रूम के अंदर कैसे आए? तुम्हें रूम की की किसने दी? मैं अभी स्टाफ को फोन करता हूँ। ए चाचा तो बड़ा भयंकर हो रहा है भाई, इसको तो बेहोश करना ही पड़ेगा। चाचा जी ये गलती भूल के ही मत करना। बेटे अभी हल्का हो गया था, अभी दोबारा हल्का हो लिया। अरे सो सॉरी चाचा जी, देखो मारना नहीं चाहता था बट अभी यार क्या कर सकते, इसको मारना पड़ा। अब इससे राज पूछूंगा सारे के सारे। वाह भाई वाह, देखो आधा गेट के अंदर ही घुस गया, वाह मेरे जीटीए धन्य हो तुम्हारे। तो फिलहाल इसको मैं कहीं ना कहीं तो बांध देता हूँ भाई, चलो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको चेयर पे बांधता हूँ, जैसे बांधता हूँ फिर इससे सारे के सारे राज पता करते हैं। ट्रेवर मैं सारी बात बताता हूँ, प्लीज देखो मेरे को जान से मत मारना, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं फैमिली वाला बनता हूँ। हाँ मैं थोड़ा माफिया वालों के साथ काम करता हूँ और मैं दिखने में थोड़ा शरीफ लगता हूँ और मेरे ऊपर कोई शक भी नहीं करता, इसलिए मेरे को ऐसे डिटेल्स पता करने के लिए बोलते हैं बंदे। और हाँ मैं ही सभी को ले करके जाता हूँ, ये मेरी ड्यूटी होती है। अब मैं जैसे ही पता कर लेता कहाँ पे मीटिंग होने वाली है, उसके बाद फिर मैं अपने कुछ बंदों को बोलता बंदों को लाने के लिए, और कार को प्लेन में लेकर के मैं ही उनको जाता खुद, और फिर सबकी मीटिंग के बाद मैं उनको छोड़ देता। ये काम मेरा था इस साल ट्रेवर, हर साल बंदे बदलते रहते हैं बट इस साल ये काम मुझे मिला है। प्लीज प्लीज मुझे मारना मत, मैं मरना नहीं चाहता ट्रेवर, प्लीज प्लीज भाई मेरे को मौका दो, मैं सारी बातें सच बताता हूँ तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। फिलहाल मैंने इस बंदे की सारी सारी बातें सुन ली है, चलिए मैं आपको चलते चलते सारी बात बताता हूँ। फिलहाल मैं इसको यहीं पे बंद करके लॉक कर देता हूँ रूम में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये बंदा यहाँ से नहीं जाने वाला। चाचा जी टेंशन मत लो, अगर तुम्हारी खबर सच्ची निकली ना बस आता हूँ थोड़ी देर में, सारा काम करके इसको बंद कर देता हूँ यहाँ पे इसी के रूम में, यही लॉक करता हूँ, सामने वाले लॉक करता हूँ ताकि बंदा भाग ना जाए। मैंने चाचा को इसी के रूम में लॉक कर दिया है। अब मैं इसको आप मतलब इसकी अब मैं आपको पूरी की पूरी बातें बताता हूँ कि इसने मेरे को क्या बताया। चाचा ने मुझे बोला है ड्राइवर फिलहाल ना मेरे को भी नहीं पता मीटिंग कहाँ पर होने वाली है, शहर में आते ही हमारा हर साल ये काम होता है भाई, लॉस सैंटोस के आसपास ही मीटिंग होती है, लॉस सैंटोस में भी नहीं होती। ये बोल रहा है कि हर साल मीटिंग यहीं पर होती है ट्रेवर, मतलब बदलती रहती है जगह, बट हमें हर साल क्लू ढूंढने पड़ने आना पड़ता है लॉस सैंटोस में ही, क्लू लॉस सैंटोस में मिलते हैं और मीटिंग होती रहती है यहाँ पे, मतलब जगह बदलती है भाई, ऐसा नहीं कि एक ही जगह होती है, बेस बहुत सारे हैं, जैसे कि इस साल हो गई यहाँ पर तो अगले साल होगी उससे 20 या 30 किलोमीटर दूर, इतना फासला होता है। ऐसे नहीं कि सीधा भाई पूरा कंट्री बदल दी देश बदल दे, नहीं, मीटिंग सिर्फ 20 या 30 किलोमीटर की दूरी पर चेंज होती रहती है हर साल, बट क्लूज ढूंढने के लिए आना पड़ता है लॉस सैंटोस में। तो फिलहाल चलिए मैं पूरी बात बताता हूँ। तो ये बंदा बोल रहा है मुझे भी नहीं पता ड्राइवर सारी चीज़ों के बारे में, फिलहाल मुझे ना क्लू ढूंढने हैं, तब उसके बाद मुझे भी तब पता चलेगा कहाँ पे मीटिंग होगी, फिर उसके बाद ही मैं बंदों को लेकर के जाऊंगा ट्रेवर, इसलिए आज का दिन मैं यहाँ पे रुकता और कल सुबह से मैं क्लू ढूंढता और फिर कल रात इनको सबको लेकर के निकल जाता, तो मतलब कल सुबह से क्लू ढूंढना शुरू करता भाई। बट इसने मेरे को सारी सारी बातें बता दी है कैसे मैं क्लू ढूंढ सकता हूँ। तो मैंने इसको बोला भाई मेरे को तेरे ऊपर भरोसा नहीं है, अगर मैंने तुझे छोड़ा क्लू ढूंढने के लिए, लोकेशन ढूंढने के लिए, कभी तू भाग गया तो मैंने इससे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ लिए जो मेरे को आगे वाले बंदों को बतानी पड़ेगी, और उससे क्या होगा ना फिर मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और मेरे को लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा, और मैं आकर के इसको बता दूंगा। देखो अगर मैं इसको मार दूंगा ना तो फिर प्लेन मतलब कि मीटिंग फिर तो बिल्कुल ही फेल हो जाएगी, और मीटिंग नहीं होने वाली वहाँ पर जहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि भाई माफिया वाले बंदों को पता चल जाएगा कि हमारा वो बंदा मारा गया जो जगह का पता करता है सभी को और सभी को बताता है, इसको नहीं मार सकते, ये मारा तो सब खत्म है इसका मतलब। बट इसको मेरे को यही बताना पड़ेगा बाद में मीटिंग कहाँ पर होगी, तो मैं खुद पता लगाता हूँ मीटिंग के बारे में, क्योंकि मेरे को इसके ऊपर भरोसा नहीं है। भाई सुबह हो चुकी है और मैं पहुंच चुका हूँ, फिलहाल कपड़े वगैरह बाद में चेंज करेंगे, लेट बिल्कुल भी नहीं करते, 12 से ऊपर टाइम होकर के रखा हुआ है। ड्राइवर आपको बताया भाई आधी रात तो वहीं हो गई थी इसलिए थोड़ा लेट उठा। अब हम सारे सारे क्लूज ढूंढेंगे, फिर उसको ज्वाइन करेंगे और उसके बाद हमें फिर कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे जिससे फिर हम मीटिंग का पता लगा सकते हैं, और चलिए फिर सारा सारा काम हो ही जाएगा। फिलहाल सबसे पहले मेरे को बंदे ने बोला था कि ड्राइवर भाई जैसे सुबह होगी आप जाना आइस बॉक्स पर,
ये एक भाई डायमंड की, मतलब कि यहाँ पे ज्वेलरी शॉप है, यहाँ पे डायमंड की आप रिंग ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, नेकलेस वगैरह सब कुछ यहाँ पे डायमंड का मिलता है। गोल्ड का मिल जाता है बट गोल्ड का कम मिलता है। अंदर निकलता हूँ आइस बॉक्स में, उसने बोला था यहाँ पे मैनेजर से मिलूंगा और मैनेजर को मेरे को यहाँ पे सिर्फ एक बात बोलनी है जिससे सारा सारा काम हो जाएगा। मैनेजर को सब कुछ पता है क्या करना है, बट इसको जब तक मैं कोड वर्ड नहीं बोलूंगा तो मैनेजर अपना काम नहीं करेगा। हर चीज़ लिंक होती है एक दूसरी चीज़ से, शक नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। फिलहाल एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं हैंकी लगा लेता हूँ। देखो मैनेजर ना मेरे को अंदर से बुलवाना पड़ेगा, मैनेजर यहाँ पर नहीं होने वाला ऐसा उसने बोला था। यहाँ पे सिर्फ स्टाफ की आंटियाँ खड़ी हुई है, यहाँ पे देखो कुछ लड़कियाँ हैं जो कि भाई फोटोज ले रही है, मतलब कि कोई रिंग पसंद आई होगी, नेकलेस पसंद आया होगा, यहाँ पे सिर्फ बातें चल रही हैं इनके बीच में। ये ना एक काम करता हूँ, बाहर निकलता हूँ, क्योंकि यार अगर उस बंदे ने मेरे को देख ले तो सारे सारे प्लानिंग खराब हो जाएगी, इसलिए मेरे को मास्क लगाना पड़ेगा। ट्रेवर भाई बाहर निकलो, दोबारा से मास्क लगा के आ जा, चल चल फटाफट से चल। उसके बाद मैनेजर को बुलाएंगे और बात करेंगे, बात खत्म। ट्रेवर ब्रो हैंकी लगा दे, आंटी जी क्या देख रही हो, अंदर जाके ले लो। मैंने हैंकी लगा लिया भाई ट्रेवर के मुंह पर, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। आराम से बोल दूंगा भाई देखो मेरे को एलर्जी होकर रखी है, मेरे को भाई खांसी जुकाम हो गया इसलिए मैंने इसको लगा के रखा है, बात खत्म। इसका बहाना बन सकता है, बट फिलहाल अगर पूरा मास्क पहनूंगा तो फिर दिक्कत होगी। चलिए भाई आंटी जी से बुलाता हूँ और बोलता हूँ, आंटी जी मुझे मैनेजर से मिलना है, बहुत ज़रूरी, बोलो कि बहुत ज़रूरी काम है उस चीज़ के लिए जो आज होने वाला है, बस उनको ये बोलो वो समझ जाएंगे और फटाफट से आ जाएंगे मुझसे मिलने के लिए। तो चलिए भाई मैनेजर को आने दो और देखते हैं फिर कि क्या बंदा मेरी बात मानेगा या नहीं मानेगा, फिर उसको शक हो जाएगा मेरे ऊपर। बोलिए सर मैं आपको क्या हेल्प कर सकता हूँ, आपने बोला बहुत ज़रूरी काम है आज कुछ होने वाला है तो बताइए सर। फिलहाल ये बंदा देखो भाई, मतलब मैं समझ गया क्या मुझसे पूछना चाह रहा है, ये मुझसे कोड वर्ड पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे भाई जी मुझे 2 गिलास पानी पीना है, क्या प्लीज़ मुझे पिला दोगे, मुझे बहुत प्यास लगी है। यही कोड वर्ड है भाई, मतलब कि मुझे 2 गिलास पानी पीना है, ये कोड वर्ड है। देखो ज़्यादातर अगर आप कहीं पे जाओगे पानी मांगोगे तो भाई पानी पिला दो या फिर 1 गिलास पानी पिला दो, बस इतना ही होता है। अब 2 गिलास पानी पिला दो कोई नहीं बोलता, तो यही कोड वर्ड है क्योंकि ये आम चीज़ नहीं है। तो चाचा जी मुझे 2 गिलास पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। ओके सर बहुत बढ़िया, मैं आपको पानी ज़रूर पिलाऊंगा। एक काम कीजिए, आपको एक डोर दिख रहा होगा रेड कलर का मेरे पीछे की तरफ, आप वहां से अंदर चले जाइए और वहां पर आपको बहुत ज्यादा पानी मिलेगा, जितना आपको चाहिए आप पी लीजिए जाकर। बढ़िया भाई बंदे से बात हो गई, थैंक यू भाई, थैंक यू मैनेजर। इसने बोला मेरे को यहाँ से अंदर जाना, ओके भाई ये ला रेड कलर का डोर, ये रहा अंदर जाना, इसके बाद यहाँ पे सीक्रेट जगह बना करके रखे नमूने ने, बहुत बढ़िया, ये यहीं पर खड़ा रहेगा मेरा वेट करेगा, मेरे को अंदर निकलना है। इसका मतलब कोड वर्ड काम किया, इसने मेरे को अंदर भेजा भाई, चलो ट्रेवर ब्रो गेट को खोलो और फटाफट से अंदर निकलो। मैं उस रेड गेट से भाई सीधा अंदर की तरफ यहाँ पर आ चुका हूँ। एक बात समझ नहीं आ रही भाई, ये तो सीधा गैरेज है एक बंदों का, तो मैं गैरेज में आया सीधा। चलिए यहाँ से बाहर निकलता हूँ, ये गैरेज मेरे को याद है, इसी टाइप के गैरेज मेरे पास भी बहुत सारे हैं। तो बंदे ने लगता है भाई शॉप के पीछे प्राइवेट गैरेज बना करके रखा हुआ है, और वह बहुत बढ़िया है, कुछ बंदे भी खड़े हुए हैं, क्यों खड़े हुए हैं, मेरे को पीटना है क्या? हेलो बॉयज, चलो इनको भी सेम कोड बोलता हूँ, भाई मुझे 2 गिलास पानी पिला दो, बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, प्लीज़ जल्दी से लेकर के आओ। मैंने बंदे को भाई यही बस बोला कोड, इसने फिर सामने वाले बंदे ने मेरे को एक नोट दिया जो कि आधा फटा हुआ नोट है, और बोला इसको लेकर के जाओ माफे बार में जोनी से मिलो, ये बोला है भाई। चलिए निकलता हूँ, ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी चीज़ लिंक से लिंक मिली हुई है। तो नोट मिला है माफे बार में जाना है, मतलब कि अपनी गैंग वाली बार में, वही गैंग वहाँ पे सारी की सारी रहती है लॉस सैंटोस की, वहाँ पे जाना है और उसके बाद जाके जोनी से मिलना है, आगे की बात वो बताएगा। चलिए ठीक है पहुँचते बाहर निकलते हैं, मैं नोट को लेकर के वापस भाई आ चुका हूँ, चलिए फटाफट से निकल जाता हूँ। हेलो मैनेजर भाई मेरा काम हो चुका है, अबे नमूना भी यहीं पर खड़ा हुआ है तू, तो चलिए भाई लेट नहीं करेंगे, अपना काम बन गया परफेक्ट तरीके से। तो फिलहाल अभी इस नोट को लेकर भी मेरे को आगे की तरफ जाना है, जो कि बंदर ने मेरे को इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब ये नोट मुझे लेकर के जाना है भाई एक और जगह पर, और वहाँ पर मुझे बंदे ना पहचान ले, वो जगह बड़ी भयंकर है, वहाँ पे गैंग मिलती है भाई, वो सिर्फ गैंग का ही बार है, वो गैंग के बार से ही मशहूर है जिस जगह मेरे को अब जाना है। वहाँ पे लोस्ट गैंग मिलेगी, बाला वाले गैंग मिलेंगे, मतलब सब गैंग वहाँ पे रहती है। अब उन्हीं में से मुझे एक बंदा ढूंढना पड़ेगा। चलिए खैर भाई जो बात नहीं है, मतलब कर लेंगे अभी तो करना हमें है ही। जोनी नाम का बंदा है उसको ढूंढना है और उसको फिर ये नोट दिखाना है, फिर देखते हैं वो मेरे को क्या बोलेगा। अम्मी जी यार वैसे पहली बहुत अच्छी बना के रखी है बंदों ने, ताकि देखो मतलब सीक्रेट मीटिंग है, सीधी सी बात है भाई दुनिया की सबसे बड़ी मीटिंग है ना, तो इसलिए इतना राज रख रहे हैं बंदे और इतनी सिक्योरिटी के साथ इस चीज़ को चला रहे हैं ताकि कोई पता करना चाहे तो पता ना कर पाए। ड्राइवर बट बड़ी चालाक चीज़ है। मैं पहुंच गया भाई हमारे लॉस सैंटोस के माफिया बार या गैंग बार जो भी आप बोल दोनों एक ही बात है। तो फिलहाल चलिए अंदर की तरफ निकलते हैं इसके, और जोनी भैया मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा, बस इस बंदे को भी शक ना हो जाए। देखो भाई जिसको भी शक होगा ना कि मैं ड्राइवर हूँ तो काम खराब हो जाएगा। वैसे यार मेरे को अपनी गाड़ी ना दूर खड़ी करनी चाहिए क्योंकि इस गाड़ी से शक हो जाएगा, इस गाड़ी को मेरे को लेकर के आनी चाहिए नहीं थी। वैसे अच्छी बात क्या है, बाहर कोई बंदा नहीं है तो आराम से अंदर निकलता हूँ। अगर देखो भाई कोई बंदा बाहर मिला तो फिर आगे की सोचेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। देखो अभी इतना पहले क्यों डर रहे हैं, वैसे भी ड्राइवर किसी से डरता नहीं है। अंदर आ गया हूँ मैं, बहुत ही बढ़िया। ओके भाई हेलो जी चाचा जी, यहाँ पर भाई कुछ आंटी खड़ी हुई है झाड़ू लगाने में लग रही है, मतलब कि पोछा वगैरह लगा रही है, और कुछ लड़कियाँ यहाँ पर खड़ी हुई है लगता है भाई, सारी सारी यहाँ पे सर्व करने के लिए रखी हुई है, मतलब कि खाना पकड़ाने के लिए जो भी है भाई, ये रिसेप्शन पे है, रिसेप्शन ही आप इसको बोल सकते हो। यहाँ पे आप खाना ऑर्डर कीजिए और ये आपका खाना लेकर के पहुँच जाएगी। तो यहाँ पे 2 आंटी सफाई के लिए है, कुछ बंदे पीछे बैठे हुए। अब पता ये करना है कि इनमें से जोनी कौन है।
अब यार सभी से पूछना पड़ेगा कि मेरे को जो नहीं, यहाँ पे कुछ बंदे खाना तो खा रहे हैं बैठ करके, चाचा देखो बर्गर लेकर के बैठा हुआ है, इन लड़कियों से पता करता हूँ। हेलो जरा मेरी बात सुनिए, यहाँ पे जोनी बंदा कहाँ पर मिलेगा? जोनी नाम का बंदा मेरे को उससे मिलना है। लड़की से बात हो गई, लड़की बोल रही है जोनी ऊपर ही है, वो ऊपर ही आपका मिलने वाला है, ऊपर ही पहुँच जाइए। ठीक है भाई बहुत बढ़िया, इसका मतलब ऊपर भी जा सकते हैं भाई, इसके ऊपर भी जगह है। देखो मैं आज यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ, मैं इन जगहों पर कभी आता नहीं हूँ, आपको पता ही है ट्रैवर की कहाँ टाइम लगता है भाई ऐसे ऐसी जगहों पर आने के लिए। ये गैंग वैंग की जगहों पर आना ट्रैवर के, मतलब ट्रैवर फालतू टाइम वेस्ट करते नहीं है, तो भाई लॉकड है, ऊपर होकर यहाँ से जा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। मुझे ऐसे लगता है हम लोग पीछे से भी आ सकते थे यार, बट मेरे को पता नहीं था ना कि बंदा कहाँ मिलेगा। ये भी लॉकड है, ओके ये खुलेगा, ओके भाई यहाँ से हम पीछे आ गए सीधा, तो बढ़िया। अगर मेरे को पता होता ना जोनी ऊपर ही मिलेगा तो मैं सामने से आता ही नहीं, मैं सीधा फिर पीछे से आ जाता, बहुत सही है। तो फिलहाल चलिए भाई जोनी कहाँ पर मिलने वाला। हेलो जोनी ब्रो, जोनी 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 जोनी, ओके भाई यहाँ पे कुछ बाला वाले बंदे हैं। अब जोनी बाला वाला बंदा है नहीं है, पता नहीं चल पाएगा भाई, यहाँ पे बंदे खड़े हुए हैं ऐसे, पूल खेल लो भाई, कोई अंदर कौन है? ओके भाई ये वॉशरूम और वो भी खाली पड़ा हुआ है, सामने निकलते। ओके भाई यहाँ पे एक लड़की डांस करने लग रही है, एक चाचा बैठा हुआ है सोफा पे, बहुत ही बढ़िया। एक बंदा है फोन पे लगा हुआ है, अरे यार ये देख ना ले मेरे को गैंग में घुस गया मैं, आपको पता है गैंग वाले तो इस वक्त मेरे को खत्म कर देंगे डील 47 के चक्कर में, अगर इन्होंने पहचान लिया ना ड्राइवर घुस गया यहाँ पे गोलियां बजेगी बहुत ज्यादा। आराम से ओके आगे निकलते भाई, बालाई वाले बंदे हैं ओके ऊपर, ओके पीछे भी कुछ बंदे हैं जो कि लॉस वाले बंदे हैं, वो भी कुछ खेलने में लग रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ये किसका रूम है? ये भाई शायद ऑफिस रूम है किसी का, बट यहाँ पे कोई है ही नहीं बॉस। एक काम करता हूँ भाई, सोफे वाले बंदे से पूछता हूँ, बाला वाले से पूछूंगा, नहीं बाला वाले बदतमीज होते हैं। हेलो मेरे चाचा जी, अरे जोनी कहाँ पर मिलेगा? मेरे को जोनी से मिलना है। बंदे के पास आकर के बंदे से ही पूछते हो जोनी से मिलना है? बोलो भाई मैं ही जोनी हूँ, क्या काम है तुम्हें? यही जोनी है भाई, चलिए इसको नोट दिखाता हूँ, आधा फटा हुआ नोट, देखते फिर क्या होने वाला है। मैंने इस बंदे को आधा फटा हुआ नोट दिखाया, इसने मेरे को नोट ही वापस दे दिया और बोला वॉशरूम में जाओ टॉयलेट सीट के पीछे, तुम्हें तुम्हें तुम्हारा सामान मिल जाएगा। बताओ इसको पूरी दुनिया में और कोई जगह नहीं मिली, ड्राइवर भाई टॉयलेट सीट के पीछे हाथ डाल दे कुछ मिलने वाला है, इस बंदे ने चिपका करके रखा हुआ है। अरे बड़ी गंदी सीट है रे भाई, इसको साफ कर लिया करो, इतना गंदा वॉशरूम भी नहीं तुम्हारा अच्छा है, इसको साफ क्यों नहीं करते? ये माफे वाले ना मतलब दिखाएंगे अपने पूरे के पूरे कि हम कितने गंदे रहते हैं, नहीं तो साफ कर लो इसको। हाथ डाल ड्राइवर इसके पीछे ब्रो, और निकाल क्या निकलेगा। मैंने फिलहाल भाई वॉशरूम के पीछे मतलब टॉयलेट सीट के पीछे हाथ डाला तो एक और नोट मिला, आधा इसका आधा हिस्सा, मतलब कि अब नोट कंप्लीट हो चुका है, आधा यहाँ पे मिला आधा हमें पहले ही मिल गया था उसी वाले गैरेज में, अब ये नोट हो चुका है कंप्लीट। अब जोनी ने मेरे को जो पूरी बात बोली थी मैं आपको वो बताता हूँ। जोनी ने बोला था जब तुम्हें वो सामान मिल जाएगा उसको लेकर जाना कूल बीन्स पर, तो फिलहाल चलिए भाई कूल बीन्स क्या है मैं आपको बताता हूँ सारी सारी बातें। कूल बीन्स ना हमारे शहर की एक छोटी सी कॉफी शॉप है, वहाँ पे आप ऐसे कॉफी पी सकते हो, कॉफी शॉप कंप्लीट नहीं बोलूंगा, बर्गर खा लो सैंडविच खा लो सब कुछ मिलता है यहाँ पे ऑल इन वन, वो पड़ने वाली है मेरे को बीच की तरफ। चलिए फटाफट से निकलता हूँ, अब देखते हैं वहाँ पे क्या मिलने वाला है। बहुत लंबा फैला के रखा भाई इन्होंने इस चीज़ को, मतलब कि ये चीज़ जो होने वाली है हमारे साथ ये हो रही है, कमाल है यार, इतना सीक्रेट कोई रखता है क्या? वैसे हम भी अपनी चीज़ों को इतने सीक्रेट रखा करेंगे, ये माफिया वाले बड़े समझदार होते हैं, अपने डील को अपनी मीटिंग को ऐसी खुफिया बना के रखते हैं कि बंदा का ढूंढना भी चाहे तो ढूंढ नहीं पाएगा। अभी बताए सारी चीज़ें और मेरे को सारी चीज़ें सही क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मेरे को उस बंदे ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि ऐसा ऐसा करना कोई दिक्कत नहीं होगी और डरना मत सब कुछ सही हो जाएगा, जिसको मैं बांध करके आया था। नहीं तो भाई ऐसा ये मेरे साथ बिहेव नहीं करते, ना तो मेरे को कोड पता होता तो मैं यहाँ तक पहुँचता ही नहीं, जो मेरे को कोड दिया था ना दो गिलास पानी पिला दो। मैं कूल बीन्स पर भाई पहुँच गया हूँ, तो ये रही हमारी कूल बीन्स शॉप। चलिए चलिए बहुत ही बढ़िया भाई, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें फेमस है बहुत, मतलब कि यहाँ पे कॉफ़ी बहुत अच्छी मिलती है, चाय वगैरह मतलब जो भी है यहाँ का सब कुछ बेस्ट ही है, तो आज तक मैंने सुना ही था, मतलब पहुँच भी गया आज यहाँ पर। कद्दू का बेस्ट है भाई, खाली पड़ी है पूरी पूरी जगह, ये कौन सा हिसाब का बेस्ट है, अमेजिंग लेवल है। वैसे यहाँ पे रखा भी हुआ भाई पैनकेक वगैरह, बट पॉइंट क्या है यहाँ पे कोई भी नहीं है यार। चलिए एक लड़की खड़ी हुई है, हेलो आंटी जी कैसी हो? अच्छा मेरे को फटाफट से बताइए, चलो इसको ही नोट दिखाता हूँ मैं आपको, एक नोट दिखाता हूँ और फिर मेरे को बताइए करना क्या है। मैंने इस लड़की को भाई एक नोट दिखाया भाई, वो नोट सिंपल ही है, सिर्फ $10 का नोट है, कोई ज़्यादा खतरनाक नोट नहीं है, नॉर्मल सिंपल नोट है, बट ये माफे वालों ने इसको काट के रखा है। तो लड़की ने मेरे को नोट देख करके बोला कि आप सीधा ऑफिस में जाइए, मैनेजर से बात कीजिए, वही आपको समझाएंगे, मेरे को नहीं पता कुछ भी। फिलहाल चली निकल गया, ओके भाई ये है मैनेजर, हेलो चाचा जी नोट देखिए बताइए करना क्या है। बंदे ने नोट देखा, नोट देखते मुझे बोलता है आप बाहर वेट कीजिए, बाहर एक बंदा आएगा गाड़ी को लेकर के, उसको फॉलो करते रहिएगा और उसको देखते रहिएगा वो कहाँ कहाँ पे जा रहा है। जब वो बंदा मतलब कि आपको कहीं पे लेकर के जाएगा, फिर वो आपको एक बात बताएगा, उसी बात को फॉलो करिएगा और आपको सारी बातें पता चल जाएगी। चलिए भाई बाहर निकलते हैं, इसका मतलब थोड़ी देर में एक बंदे को मेरे को फॉलो करना है जो कि ये भेजेगा, और ये बोल रहा है कि आज के दिन मैं इसको खाली रखता हूँ शॉप को। मैंने पूछा था ना भाई तेरी शॉप तो चलती नहीं है, बंदे बोलते बड़ी फेमस है, इसने बोला कि यहाँ पर आज खाली करवा के रखी है सिर्फ मीटिंग के लिए, क्योंकि भाई ये नोट अगर जनता देखेगी तो गड़बड़ हो जाएगी, अजीब चीज़ लगेगी, इसलिए आज के दिन से छुट्टी करके रखी हुई है ताकि मीटिंग में कोई दिक्कत ना होने पाए। अमेजिंग, चलिए ठीक है भाई गाड़ी को रोक करके यहाँ पे वेट कर लेता हूँ, और ये ट्रेवल गाड़ी ना मेरे को छोड़नी पड़ेगी यार, नहीं तो बंदों को शक हो जाएगा। एक काम करता हूँ अपनी गाड़ी को पीछे खड़ी कर देता हूँ, एक पब्लिक चोरी गाड़ी चुरा लेता हूँ, क्योंकि नहीं तो वो बंदा जब गाड़ी लेकर के आएगा मैं उसको फॉलो करूंगा तो बंदा सोचेगा तो ट्रेवल गाड़ी है मेरे को फॉलो कर रही है,
काम खराब हो जाएगा। अरे क्यों भाग रहे हो चाचा, तुमने कौन सा मैं टक्कर मार रहा हूँ? फिलहाल मैंने एक चोरी गाड़ी पीछे से उठा ली थी, पीछे एक पार्किंग थी, आराम से अभी मैं जाने वाला हूँ, मतलब कि जा ही रहा हूँ मैं इसके पीछे। सामने आप देख रहे हो व्हाइट कलर की गाड़ी जा रही है, एसयूवी कार, उसको फॉलो करना है भाई। चलिए फॉलो करते करते देखते फाइनली बंदा कहाँ पे लेकर के मुझे जाने वाला है, और बस पहुँचते फिर भाई इसकी फाइनल जगह पर। फिर ये मेरे को कुछ बताएगा जगह पर पहुँचने के बाद में, ऐसा बोला था यहाँ के मैनेजर ने, लेट नहीं करेंगे जगह पर निकलते जल्दी से। चाचा जी तो चले जा रहे हैं, बड़ी स्पीड में जा रहा है। अबे आराम से चला भाई, तेरी गाड़ी तेज है, अपनी गाड़ी में इतना दम नहीं है, रुक जा कंट्रोल कर ले मजनू। ये नहीं मानने वाला बंदा भाई फाइनली रुक गया है, और पता है मेरे को कहाँ पे लेकर के आया है? ये मुझे एंजल्स क्लब पे लेकर के आया है, वही भाई जहाँ पे डांस वगैरह चलता रहता है। इसने मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन बोल दी है, बोला कि अंदर जाओ, वहाँ पे जाने के बाद तुम बोलना कि तुम्हें एंजेला से मिलना है, और उस एंजेला से तुम फिर मतलब ये बोलना स्टाफ को कि तुम्हें प्राइवेट डांस देखना है एंजेला का, फिर तुम्हें प्राइवेट रूम में भेज दिया जाएगा। जब एंजेला तुम्हारे पास आएगी फिर उसको एक कोड बोलना 777, जब उस तुम इस कोड को बोलोगे वो तुम्हें फिर सारी की सारी बातें बताएगी। अमेजिंग, कैसी कैसी बातें फैला के रखी है, मतलब एंजेला बताएगी हमें सारी बातें। ठीक है चाचा निकलता हूँ, थैंक यू धन्यवाद भाई साहब। कैसे कैसे काम चल रहे हैं भाई, मतलब क्लब में एक लड़की है जो डांस करती है, उसको सारी इन्फॉर्मेशन बताया मीटिंग के बारे में, ये तो मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था, यहाँ पे तो मैं कभी नहीं आता पूछताछ करने के लिए। तो ठीक है भाई, स्टाफ से बोलता हूँ मेरे को प्राइवेट डांस देखना है, एंजेला को अंदर भेजो फटाफट से, फिर उसको बोलूंगा सारी बातें। ये बात मैं भारी पूछ सकता हूँ जो इसने मतलब कि मेरे को बोला है, मतलब उसको कोड बोल के, बट इसने बोला बहुत सीक्रेट चीज़ है, उसको प्राइवेट में बुलाना तब बोलना सारी बात, नहीं तो कोई और भी सुन लेगा, मीटिंग फेल हो सकती है और दिक्कत हो सकती है। मैं क्लब के अंदर पहुंचूंगा, आज तो यहाँ पे काफी क्राउड होकर रखा है, नहीं तो लास्ट टाइम यहाँ पे बंदे आए थे बहुत सारे, और बोला था फ्रैंकलिन को हम नहीं देंगे, हमारे बंदों को छोड़ दो। मैंने बोला ठीक है भाई चलो मेरे साथ में, मैंने उनका नेता बनाना था। तो यहाँ पे कोई लड़की फ्री है क्या? यहाँ पे लड़की सिगरेट पी रही है। हेलो सर मेरी बात सुनिए, एंजेला कहाँ पर है? मेरे को डांस देखना है उसका, जितना ज्यादा प्राइस होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या चार्ज करती है वो? लड़की ने भाई मेरे को बोला कि वो एक घंटे के $500 लेती है। मैंने बोला $5,000 दूंगा फटाफट से भाई, लेट मत कर, एकदम से शौक हो गई, $500 के $5,000 में दे रहा हूँ। तो फिलहाल भाई ये बोल रही है मैं 5 मिनट में एंजेला को प्राइवेट रूम में भेज रही हूँ, आप अंदर की तरफ निकल जाइए। ठीक है भाई बहुत बढ़िया, एंजेला आने वाली है फटाफट से, फिर उसको कोड बोलेंगे और अपना काम पूरा हो जाएगा। यहीं पर निकलते हैं, यहाँ पे काफी अच्छे प्राइवेट रूम है। मैं रूम में आ चुका हूँ भाई, रूम बहुत अच्छे से डिजाइन करके रखा है, सही में पैसे ले रहे हैं तो भाई ऐसे नहीं है कि बहुत घटिया रूम है, क्या मस्त रूम डिजाइन करके रखा है, मतलब देख रहे हो इंटीरियर क्या मस्त बना के रखा है सही में। चल भाई ड्राइवर रेस्ट मार ले यार, 2-4 बीड़ी मार ले, एंजेला आने वाली है, जब आएगी उसको कोड बताएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे, 2 ड्रिंक पी लेते हैं। फिलहाल ट्रेवर तो भाई पूरे रेस्ट मोड में जा चुका है, फिर एंजेला ने ना आते डांस करना शुरू कर दिया, इसको नहीं पता कि मैं किस लिए यहाँ पर आया हूँ। इसने सोचा कि भाई मैं डांस देखने के लिए आया, प्राइवेट डांस। एंजेला जी मेरी बात सुनिए, डांस वांस देखने के लिए नहीं आया, ट्रेवर को इतने गंदे शौक नहीं है, मेरी बात सुनिए, ट्रेवर खड़ा हो जाए फटाफट से, चल बहुत हो गया मजे लेना। एंजेला को भाई कोड बोलता हूँ, फिर आराम से डांस करना बंद कर दे, क्योंकि उसको सब कुछ पता है, जैसे कोड बोलूंगा फिर कुछ तो बताएगी भाई हमें, चल चल ड्राइवर भाई खड़ा हो जा। मैंने एंजेला को भाई जैसे ही बताया 777 कोड है, फटाफट से बोलो क्या करना है। तो फिलहाल भाई एकदम से लड़की ने फिर मेरे को छोटा सा मैप दिया, इतना सा बहुत ही छोटा मैप है, मोबाइल के साइज का हो सकता है। तो फिलहाल बस अब लेकर के निकलते भाई, अब मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसने बस यही दिया और ये शांत हो गई और डर गई बहुत ज्यादा, क्योंकि इसको पता है हम माफिया के बंदे हैं। इसने सोचा कि मैं रेगुलर कस्टमर हूँ, बट फिर जैसे ही कोड बोला ना इसका दिमाग ही गुम हो गया, फिर तो ये शांत हो गई बेचारी, बस फिर इसने कुछ नहीं बोला, मैं अभी यहाँ से निकल पड़ा हूँ। इसके बाद इसका मतलब यही चीज़ थी, अब भाई मेरे को पता नहीं अब आगे करना क्या है, उसने बस मेरे को यहीं तक की चीज़ बोली थी, अब यार ये तो इसका मतलब कुछ बात नहीं होती, तो अधूरी चीज़ है और मैं इसको पढ़ भी नहीं पा रहा। एक काम करता हूँ, ये जो मेरे को मैप मिला ना, निकलते हैं ना अपने नो गोड वालों के होटल पे, वहीं पे जाकर के चाचा को मैंने बांध के रखा हुआ है, उनसे पता करता हूँ, उसको दिखाता हूँ सारी चीज़ें, देखते भाई क्या होता है, वो इस चीज को समझ सके, ये मैप में ही मेरे को डिटेल मिल जाए। पहुंच चुका हूँ भाई मैं नो गोड वाले बंदों के पास में, आराम से फटाफट से निकलता हूँ, फिलहाल मास्क ही लगे रहने तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, आराम से निकलता हूँ। और मैंने अपनी जिम सोडा की गाड़ी निकाल ली थी, मतलब की वापस मंगा ली थी, अभी मैं इसमें आया हूँ, कभी चोरी गाड़ी की जरूरत नहीं है। हेलो बेटे रिट्रीवर ये ना, हाँ शायद वही है, ऊपर निकलते। वैसे मैंने यहाँ पे रूम लेकर के रखा है, और कोई अगर मुझसे पूछेगा मैं कौन वगैरह वगैरह, बोल दूंगा ट्रेवर हूं नमूने, मेरे को खांसी वगैरह हो गया रखे, दूर हो जाए नहीं तो खतरा हो जाएगा तेरे को भी। तो बंदा मेरे कुछ नहीं बोलने वाला, मास्क लगा के रखा है एक तरीके से मैंने। ऊपर निकलते हैं जल्दी से चाचा के पास, इसको मैप दिखाता हूँ और बोलता हूँ यही वाला रूम था शायद से, हाँ भाई यही वाला रूम था, मैं घुस चुका हूँ, ये रहा वॉशरूम, चलिए चलिए चलिए। ओके भाई अनलॉक कैसे हुआ? अमेजिंग यार, कुछ तो गड़बड़ लग रही है, मैं तो लॉक करे गया था, चलिए खैर कोई बात नहीं। हेलो चाचा जी मेरी बात सुनिए, मैंने पूरी चीज़ें वही फॉलो करी जो तुमने बोला था, ठीक है अब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बट तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा ये चीज़ हमारे और तुम्हारे बीच में रहेगी। देखो मैं कुछ खतरा नहीं करूंगा, मैं कुछ अटैक नहीं करूंगा, बस मेरे को देखना है मीटिंग में क्या होने वाला है, समझ रहे हो? अब फिलहाल चाचा चुपचाप मैं तुम्हें खोलता हूँ और एक मैप खोलो और इसको पढ़ो और बताओ कहाँ पे मीटिंग होने वाली है, ठीक है? फिर उसके बाद तुम्हें जो बोला गया है ना तुम्हारी तरफ से तुम वही करो, मैं तुम्हारे काम में नहीं आने वाला। बट अगर तुमने बिल्कुल भी मतलब धोखा दिया ना
कि मीटिंग तुमने चेंज करवा दी कहीं और पे, के बता दिया ड्राइवर को, सब पता चल गया, तो बहुत बुरा होगा। चाचा ही पूरी दुनिया में इस मैप को पढ़ सकते थे भाई, बंदे ने तो जैसे ही मैप को देखा, छोटी सी चिट्ठी थी फोन के जितनी, वॉशरूम में ही पढ़ डाली, बोल रहा है ड्राइवर ये कोऑर्डिनेट्स है मैं तुम्हें सेंड करता हूँ, इसको लेस्टर से डलवा लेना और तुम्हें पता चल जाएगा सारी की सारी चीजें ए टू जेड, कहाँ पे मीटिंग होने वाली है, और मैं प्रॉमिस करता हूँ किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि नहीं तो वो भी मुझे मार देंगे और तुम भी मुझे मार ही दोगे। क्योंकि भाई अगर ये बात अब इसने उनको बताई ना कि ट्रेवर को इसने सारी बात बता दी और ट्रेवर को सब पता चल गया, तो ये तो मरेगा ही मरेगा, और भाई कोई फायदा नहीं है फिर बताने का भी, और मेरे को तो गद्दे कुछ करने नहीं वाले, तो ठीक है भाई कोई टेंशन नहीं है, ये तो बेचारा दोनों तरफ से पिटेगा, ढोल बन गया तो मैं ही मारूंगा वो ही मारेंगे, तो ये कुछ नहीं बताने वाला। बहुत बढ़िया, थैंक यू ब्रो, थैंक यू, अपना काम बन गया। अब हमारे पास है माफिया की वो सीक्रेट लोकेशन जहाँ पे माफिया की दुनिया की सबसे बड़ी मीटिंग होने वाली है। चलिए भाई थैंक यू बोलूँ मैं तो इस बंदे को, इसको भी पता है मुझे भी पता है, इसका काम मैंने ही कर दिया एक तरीके से, ये सारे क्लूज जो मैंने इकट्ठा करे ना वो ये करने वाला था, वैसे तो ये भी कर लेता बट भाई फिर भी मेरे को भरोसा नहीं था इसलिए मैंने खुद ये सारा काम किया, मानता हूँ थोड़ा टाइम लग गया बट फाइनली हमने सारी चीज़ें पता कर ली है और आज रात को हो गई मीटिंग भाई। ये रात को 12 बजे के बाद में सही बंदों को भाई लेने के लिए भिजवा देगा कुछ बंदे और खुद कार में बैठ करके ये बंदों को लेकर के जाएगा उस जगह पे जो जगह मुझे पता है। भाई रात के 12 से ऊपर का टाइम होकर के रखा हुआ है, फिलहाल मैं भी जगह पर पहुंच गया हूँ एयरपोर्ट पे। फिलहाल देखो मैं ये देखने आया हूँ भाई इन्फॉर्मेशन दम है भी या नहीं भी, सच्ची में दम है भाई इन्फॉर्मेशन में, अगर मेरी बायनोकुलर वहाँ तक दिखा सकती है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। देखो भाई कार को प्लेन रेडी है और यहाँ पे बहुत सारे बंदे खड़े हुए हैं, देखो भाई फोकस नहीं हो पा रहा, ओके फोकस हो चुका है, अब आप देख रहे हो इस तरह जूम मैं नहीं कर सकता, शहर के ये हमारे शहर के बंदे हैं सिर्फ, बाकी और अलग अलग कंट्री के बंदे इनमें हो सकते हैं मेरे को पक्का नहीं पता, बट अलग अलग कंट्रीज के सबसे बड़े बड़े माफिया आएंगे, ये नहीं कि उनकी गैंग आएगी, मेन बंदे आएंगे सिर्फ मीटिंग करने के लिए, और मीटिंग की जगह मुझे पता है। और उस मैप में भाई दो चार चीज़ें और भी पता चली है जो कि बाद में उस बंदे ने मुझे फ़ोन करके बताई थी, अगर मैंने वो रूल फॉलो नहीं करेगा ना जगह पे जा करके तो मेरे को मरने का खतरा भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे गार्ड्स नहीं मिलेंगे, वहाँ पे गार्ड्स बहुत कम हैं, वहाँ पे चीज़ें इस हिसाब से बना के रखे कि अगर बंदा कोई गलत कदम उठाएगा तो वो मर जाएगा, एक ट्रैप है वो जगह। तो फिलहाल पॉइंट ये है चलिए आराम से चले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिलहाल इनको निकलने दो फिर मैं भी पीछे पीछे आ जाऊँगा। चलिए ट्रैवर ब्रो निकलने दो नमूनों को, वेट करते हैं देखते हैं कि आखिर कितना टाइम में यहाँ से निकलेंगे, मेरा प्लेन भी आने ही वाला है। मेरा प्लेन आ चुका है भाई और अभी तक सामने वाले बंदे उड़े नहीं है, वैसे हाँ कार्गो प्लेन के अंदर सारे बंदे जाकर के बैठ चुके हैं बट थोड़ी देर में भाई ये बंदे टेक ऑफ करने ही वाले हैं, तो एक काम करता हूँ पहले इनको ही उड़ जाने दो भाई, जब मेन बंदे ही नहीं पहुंचे जगह पर तो मैं ही पहले पहुंच के वहाँ पे क्या करूंगा, कोई फायदा नहीं है मेरे को, पोछा थोड़ी लगाना वहाँ पे जाकर के। भाई बंदे जाने लग गए, प्लेन देखो उड़ना शुरू हो गया है, बहुत ही बढ़िया, ओके बंदे ने टेक ऑफ करा दिया, थोड़ा पीछे रहूंगा नहीं तो भाई रडार में आ जाऊंगा, थोड़ा पीछे रखते हैं प्लेन को, हमें तो लोकेशन पता है कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। चलिए चलिए चलिए, वैसे मैं इसको ऐसे भी फॉलो कर सकता था बट भाई फॉलो करने में बहुत रिस्क है, यकूजा ने मेरे को ये बोला था ट्रैवर अगर तुम इनको फॉलो करोगे ना प्लेन को तो ये ट्रैक कर लेंगे तुम्हें बहुत दूर तक ही, क्योंकि ये बहुत दूर तक देख लेते हैं कि हमें कोई फॉलो तो नहीं कर रहा ना, क्योंकि भाई मेरे को इसके बहुत पीछे रहना पड़ेगा, मेरे को इसके इतने पीछे रहना पड़ेगा कि मैं बिल्कुल भी दिखाई ना दूं इनको रडार में, अगर मैं आ गया ना 1% भी फॉलो करता करता तो सारा का सारा प्लान फेल हो जाएगा, इसलिए मैं फॉलो नहीं कर सकता इसको, नहीं तो मैं तो ऐसे ही पहुंच जाता इनको फॉलो करता करता सीक्रेट मीटिंग पे, इतनी मेहनत जो हमने करी है वो तो फिर वेस्ट हो जाती ना, तो कोई फायदा नहीं है, वो तो मैंने पहले ही सोच के चला था क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है इनको फॉलो करना, मैं अलग डायरेक्शन में जाऊंगा ये अलग डायरेक्शन में जाएंगे तभी सही रहेगा, बट ऐसे तो फॉलो हो ही नहीं सकता पॉसिबल, तो इसीलिए मेरे को पता करनी पड़ी जगह के बारे में, तो अभी अलग जाएंगे मैं अलग जाऊंगा ताकि इनको शक ना हो बिल्कुल कि मैं भी सेम ही जगह पर जा रहा हूं, तो जगह मेरे को नहीं पता होती तो मैं जा नहीं पाता बिल्कुल भी, क्योंकि फॉलो करना इम्पॉसिबल है। चल ट्रैवर चल जल्दी से निकल, तो इस तरफ से भी हम उस जगह पर जा सकते हैं जहाँ पर मेरे को जाना है, उनको उस तरफ से जाने दो मैं इस तरफ से जाऊँगा, क्योंकि भाई अगर बंदों को ऐसा लगा मैं फॉलो कर रहा हूँ तो प्लान फेल, उसी वक्त मीटिंग कैंसिल हो जाएगी और सारे बंदे जो जहाँ पर है ना वो वहाँ से भाग जाएंगे, पता नहीं भाई कौन कौन बंदा मिलेगा, मजा आ जाएगा वैसे भाई जो कोई भी हो, बहुत बढ़िया होने वाला है। हम लोग भाई सक्सेसफुली मार्स पर पहुंच गए हैं, ये बंदे मार्स पर आए मीटिंग करने के लिए, आपको यकीन आया? नहीं भाई ऐसा नहीं है, बट दिखने में सेम ऐसा लग रहा है, मैंने इसलिए आपको झूठ मूठ बोल दिया भाई, में भाई कैसा डेजर्ट है अलग ही लेवल का। फिलहाल मेरा प्लेन पीछे ही खड़ा रहने दो, बाद में जब ये बंदे निकलने वाले होंगे ना तो मैं इनसे पहले निकल के भाग जाऊंगा, क्योंकि देखो दूर लैंड करता ना प्लेन को तो बहुत दूर तक पैदल आना पड़ता भाई, तो मार्स की फीलिंग आ रही है, मार्स पे घूम रहे हो, क्योंकि आपको पता है मार्स पे पहले जा चुके हैं, बिल्कुल सेम मार्स भी ऐसे लग रहा था भाई रात में, कैसा डेजर्ट है यार अमेजिंग, सच्ची में वही फीलिंग आ रही है जैसे मार्स पे बंदों ने मीटिंग रख दी हो। चलिए छोड़िए खैर उस बात को, ये रहा कार्गो प्लेन, बंदे ऑलरेडी अंदर जा चुके हैं, मैं दूसरे रास्ते था, मैंने बोला था अगर मैं इनके साथ चलता तो सब कुछ खराब हो जाता, इसलिए मैं थोड़ा लेट आया हूँ 15 मिनट, ताकि सब बंदे अंदर पहुंच जाए मीटिंग शुरू हो जाए और मैं आराम से फिर पहुंच जाऊं। अभी बाहर कोई गार्ड्स नहीं मिलने वाले ऐसा मेरे को बोला गया था, बहुत ही बढ़िया बात है, और अंदर भी नहीं मिलेंगे, मेरे प्यारे चाचा ने मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन दे करके रखी हुई है,
चलिए चलिए चलिए, तो देख रहे हो कैसी कैसी जगह मीटिंग बना के रखते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई बंकर है जिसके अंदर मेरे को जाना पड़ेगा। बहुत सही है, ओके भाई ठीक है, बहुत ही बढ़िया, सही बोला था बंदे ने हर एक चीज़ की डिटेल। ये दीवारें इतनी ऊंची ट्रेवर तुम चढ़ नहीं पाओगे, बट एक लूप होल है उस जगह पे, एक पत्थर है जिससे तुम ऊपर जंप मार सकते हो, बहुत सही है। अबे नमूना पत्थर हटा देते यार, ये इतना प्यारा पत्थर है जो मेरे काम आ गया। हम लोग फाइनली अंदर है उस जगह के, तो ये है वो बंकर जिसके अंदर मुझे जाना है, और ये अलग ही लेवल का बंकर है, शायद से ऐसा बंकर हमने अब तक नहीं देखा, ऐसा उस बंदे ने बोला था। देख लेते हैं भाई, वैसे तो रोज हम आजकल टनल में जाते रहते हैं, तो देखते हैं इस टनल में ऐसी क्या खास बात है जो बाकी औरों से अलग है। मैं अंदर की तरफ आ चुका भाई, उस बंकर में मतलब कि नीचे आ चुका हूँ मैं। टनल है भाई, बहुत अजीब टनल है, यहाँ पे रोड बना के रखे टनल के अंदर बंदों ने। पहला टनल मैंने देखा जिसके अंदर रोड बनी हुई है, इसके अंदर से नहीं जाऊंगा, कभी भाई ये बीप बीप बोल जाए और काम खराब हो जाए। ट्रेवर थोड़ा साइड से निकल। चलिए भाई चलिए, लगता है यहाँ पे सारे सारे बंदे जा चुके हैं भाई। यहाँ पे बाइक भी खड़ी हुई है, लगता है बंदे बाइक से तो नहीं गए, एक या बच गई होगी, क्या पता कितनी बाइक्स यहाँ पर हो, ऐसा हो सकता है भाई। सामने कुछ अजीब लग रहा है यार, मुझे लगता है बंदे हैं शायद से, लगता है इन्फॉर्मेशन गलत तो नहीं है। अब बाइक चला के जाऊँ या पैदल जाऊँ यार, वैसे इतना लंबा टनल ये हो सकता है बाइक चला के चला जाता हूँ, जब बंदे ने बाइक दे करके रखी हुई है। कुछ बड़ा प्लान ना हो जाए भाई, कभी उस टकलू चाचा ने नो गोड वाले जो होटल में था उसने मेरे को फंसा तो नहीं दिया, कभी ये कि लंबा ही प्लान हो। लाल आराम से चलते जा रहा हूँ मैं, चलते जा रहा हूँ। देखो मैं पूरी तेज़ स्पीड नहीं करूँगा, पहले मेरे को देखना है ये जगह पे खतरा तो नहीं है। एक सेकंड भाई, एक बंदा खड़ा है, एक बंदा खड़ा है, काम खराब हो जाएगा यार। चकलू चाचा ने बोला था एक ही बंदा नहीं खड़ा हुआ यहाँ पे, मैंने बंदा देख लिया भाई दूर से ही, ले बेटे खत्म। पॉइंट ये मेरे समझ में नहीं आ रहा भाई, चाचा ने बोला था यहाँ पर कोई बंदा नहीं मिलने वाला, फिलहाल आराम से निकल दो भाई। इस बंदे को तो मैंने देखो स्नाइपर से मार दिया, बट आगे जो अगर बंदे मिले ना, अब की बार मैं मारूंगा उनको पिस्टल से, साइलेंसर को यूज़ करके, क्योंकि भाई देखो आवाज़ आ जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत ज़्यादा। फिलहाल चलिए, यहाँ पे एक बंदा है, बड़ी अजीब जगह है भाई, यहाँ से आग लग के रखे और रोड यहाँ पर हो चुका है ख़त्म। चलिए खैर आगे निकलते हैं। वैसे अच्छी है भाई, अब तक मैंने ऐसा टनल नहीं देखा, ये बाकी ओर से अलग है, मतलब कि ये अंदर का रास्ता बहुत अलग है। यहाँ पे लकड़ी का एक ब्रिज सा बना कर रखा है, बड़ी अजीब जगह है भाई। नीचे आकर के मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैं आसमान में घूम रहा हूँ, आप सामने देख रहे हो इस तरफ, ऐसे लग रहा है बिल्कुल व्यू जैसे कोई सामने आसमान हो ये, बट असली नहीं है भाई, ये नकली है, क्योंकि हम तो ज़मीन के नीचे है, ज़मीन के नीचे आसमान कब से आने लग गए, ये गलत है, मतलब फेक चीज़ है ये। सामने निकलते भाई, सामने कुछ तो है भाई, ओके तीन गेट है। ये चीज़ मेरे को भाई उस बंदे ने फ़ोन करके एक्स्ट्रा बोली थी। अब मैं आपको बहुत ही कमाल की बात बताता हूँ, ये बात इसका मतलब बंदे की सच्ची है भाई, बंदे वाली बात सच्ची नहीं निकली, बट ये बात सच्ची है, क्योंकि यहाँ पे तीन जगह से हम अंदर जा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। जो कोई नया बंदा अगर यहाँ पे 1% घुस भी गया है ना, तो वो अगर गलत गेट में घुसा तो ख़त्म, एक में हर एक जगह पे सांप ही सांप है, बहुत खतरनाक, खुलते ही ख़त्म कर देंगे इसको। और एक जगह है शेर ही शेर, एक इनमें से रास्ता सही है और दो गलत है, यही तो मेन मैटर है भाई। ये जगह एक तरह से ट्रैप है, अगर कोई बंदे को नहीं पता ना तो वो तो मरा ही मरा। और एक बार बंदा अंदर घुस भी गया है ना, वापस नहीं आ सकता, गलत रास्ते से वापस नहीं आ सकते। अंदर जाने का रास्ता यहाँ से खुल जाएगा, पर बाहर मतलब उस तरफ से इसको नहीं खोल सकते, फिर तो सांप या शेर तुम्हें खाई जाएंगे, बचने का कोई रास्ता नहीं है। बट अच्छी बात क्या है, हमें पता है ये रास्ता जो है ये असली है, और ये दो जो रास्ते ये बिल्कुल भाई खतरनाक है, इनसे घुसोगे तो मरना तय है फिर तो। चल ड्राइवर जल्दी से अंदर की तरफ निकल, लेट मत कर ब्रो, देखते चाचा ने सही बोला था झूठ बोला था पता चल जाएगा। मैं गेट से अंदर की तरफ आ चुका हूँ, लगता है चाचा ने सही बोला था भाई बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल साफ जगह पड़ी हुई है, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं अंदर आ गया, ना यहाँ पे कोई भाई स्नेक्स वगैरह है, ना ही अपना शेर है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। चलिए चलते चल रहे भाई, बड़ा अजीब टनल है यार, इस टनल से निकल के बंदे गए हैं। और देखो भाई बंदों को इतना अपना ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस है कि बंदों ने यहाँ पे एक भी गार्ड नहीं लगाया, क्योंकि उनको पता है इतनी खतरनाक जगह है, ऐसा अलग ही दिखने का लैंड है, मतलब ये मार्स की जगह जमीन लग रही है, यहाँ पे कौन आएगा। पहली बात तो ये, अगर बंदे अंदर घुस भी गए तो इतनी दूर तक नहीं पहुंचेगा, बंदों को इतना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि बंदों ने गार्ड्स लगाना अच्छा सोचा ही नहीं बिल्कुल भी, क्या कमाल के नमूने हो। वैसे यार यहाँ पे आएगा भी कौन, सीधी सी बात है, कोई बंदा कौन घुसना सोचेगा ऐसी जगह पे, इतनी भयंकर जगह पे किसको मरना है। ये तो ट्रेवर ही ऐसे उल्टे सीधे काम करता है, ऐसी जगह पे घुस जाता है डरता नहीं है बिल्कुल भी। फिलहाल सामने क्या चीज़ है, ओके भाई पानी है सामने, यार ये चीज़ के बारे में बंदे ने मेरे को नहीं बोला था, टनल में पानी है और सामने एक बोट भी है। तो चलिए एक काम करते हैं, बोट को लेकर के निकल जाते हैं, देखते भाई पानी कहाँ तक है। अरे अरे मैं तो डूब ही गया। तो देखो मैं दो तरीके से जा सकता हूँ, मैं यहाँ से पानी से भी जा सकता हूँ और बोट से भी जा सकता हूँ। भाई पानी इतना ऊंचा भी नहीं है और नीचा भी नहीं है, एक काम करो ट्रेस में बैठ जाए, आइटम है क्या लेकर के निकलते हैं। चलिए भाई चलते हैं, जब पानी के लिए से के रखा है सिस्टम तो हम इससे चलते थे भाई, मुझे लगता है पानी के लिए सक्सेसफुल नहीं है, पानी इतना ज़्यादा नहीं है, लहरों में आ रहा है बार बार, कभी ऊंचा हो रहा है कभी नीचा हो रहा है, ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं है मेरे को लेकर के नहीं जाने वाली, पैदल ही तैर तैर के चले जाएंगे। चली जाए मेरी प्यारी प्यारी गाड़ी, बहुत बढ़िया पहुँच गए। पानी की लहरों के ऊपर सारा काम चल रहा है, लहरें कभी कभी ऊपर हो रही है कभी कभी नीचे जा रही है, देखो पक्का नहीं है, बट सामने चल 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 पानी बिल्कुल ही अभी तो यहाँ से चला गया है, इसलिए मेरी बोट रुक गई है। चलिए छोड़िए यार इसको, जब तक तो मतलब इतने देर तक तो मैं आराम से भाग के चला जाता, पर फिर टनल के अंदर पानी कहाँ से लेकर के आया ये बंदे, अलग ही लेवल है इसका, मतलब इस वक्त तो पानी के नीचे चल रहे हैं क्या, बट पानी का लेवल ही बहुत अलग है भाई। देखो अगर पानी के नीचे होते तो थोड़ा पानी पूरे ऊपर तक होता, पानी आधे तक नहीं होता ना, ये तो लहरें बहुत अजीब आ रही है, पता नहीं कैसे कैसे बेस बना देते हैं बंदे मीटिंग के लिए। भाई सीधी सी बात है, दुनिया की सबसे बड़ी मीटिंग है माफी की, हर साल होती है,
उस जगह का स्टैंडर्ड लेवल देख रहे हो, अच्छी जगह बनाई है बंदे ने। यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पे एक और वोल्ट है, ओपन करते हैं और देखते हैं अब कहाँ पहुंचेंगे, अब की बार मीटिंग के पॉइंट पर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। भाई मैं वोल्ट को ओपन करके अंदर तरफ आ चुका, कोई लॉक नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी, लगता है भाई मीटिंग पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। मीटिंग चल रही है, कितनी सारी गाड़ी खड़ी है, समझ में नहीं आया गाड़ी बंदे यहाँ पे लेकर कैसे आए, ये इनका टैलेंट है या फिर कोई और भी रास्ता है भाई इसके अंदर आने जाने का, ऐसा मेरे को लगता है। ड्राइवर आगे ब्रो, आगे आगे आराम से, बस एक तो साइलेंट मोड पर आ जाए भाई, तेरी आवाज़ आ गई ना कदमों की तो दिक्कत हो जाने वाली है बहुत ज़्यादा। फिलहाल भाई बंदे इस तरफ देख रहे नहीं देख रहे वो तो पक्का नहीं पता मेरे को, बट देखो गड़बड़ हो सकती है। आराम से आराम से आराम से ड्राइवर, आराम से आराम से, चल चल चल, बहुत सही बहुत सही बहुत बढ़िया। तो फिलहाल भाई देखो यहाँ से सुन पाऊंगा नहीं सुन पाऊंगा पक्का नहीं बोलूंगा, वैसे अंधेरा इतना ज़्यादा है कि बंदे जल्दी से मेरे को नोटिस नहीं कर पाएंगे। चल चल ट्रेयर बस इस वाली गाड़ी के पीछे आ जाए, बहुत सही बहुत सही सही सही, एकदम कवर ले ले, कवर ले ले ब्रो, कवर ले ले दूसरी के पास, कवर ले ले बस, बहुत बढ़िया। देखो बंदे ने भी ध्यान नहीं दिया और बंदे उल्टे भी खड़े हुए हैं, उधर बहुत ज़्यादा माफिया के बंदे हैं सामने की तरफ, सब बैठे हुए हैं, टेबल लगा हुआ है, यहाँ पे पीछे एक चेयर है जैसे मैं देख पा रहा हूँ। अंधेरा इतना ज़्यादा है भाई, ठीक से देख नहीं पाएंगे हम लोग, बट बात सुन सकते हैं, अगर इनकी बातें हुई ना बात सुन सकते हैं, क्योंकि हम बहुत पास में आ गए, सिर्फ एक गाड़ी का डिफरेंस है हमारे बीच में। यहाँ पे गार्ड्स खड़े हैं, एक सेकंड अगर मैं बाइनोकुलर ऑन करके देख सकता हूँ, ट्रेवर खड़ा होकर बाइनोकुलर ऑन करके चेक कर ब्रो, कौन कौन नमूना बैठा हुआ है यहाँ पर, अगर भाई दिनों देख मेरे को देख लेना तो काम खराब हो जाएगा भाई। यहाँ पे एक चाचा बैठा हुआ है पीछे जिसके बिल्कुल सफ़ेद बाल, अभी नमूना कौन है पता नहीं भाई, इसको बाद में देख लेंगे। और फिलहाल भाई ओहो हसमुख नमूना, ये भी इसको बुलाया, अब ये पूरी दुनिया में सब आएंगे और तू भी आएगा, इसको नहीं छोड़ते पता नहीं। नमूने बंदे बहुत सारे हैं भाई, बंदे बहुत सारे हैं, और पीछे एक बंदा बोलने में लग रहा है, ओके कुछ बात बता रहा है लगता है, इन सभी को बातें चल भी रही है, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। तो ब्लर हो रहा है भाई बहुत ज़्यादा, आपको पता ही है फोकस आउट ऑफ हो जाता है, तो मतलब दिक्कत होती है दूर के जूम कर रहे हैं, फोकस बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। और ये रहे माफी वाले बंदे, एक काम करते हैं नीचे बैठ करके सारी बातें सुन लेते हैं, पहले देखते हैं कि आखिर चल क्या रहा है, क्या क्या बातें चल रही है इनके सभी के बीच में। आप लोगों के यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा, मेरे पापा ने जैसा कि बोला है, जैसे जैसे वादे किए वो सब जरूर पूरे होंगे, क्योंकि आप लोगों को पता ही है पिछले 15 सालों से मिस्टर फिलिप्स कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, जो कि मेरे पापा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप लोग चिंता ना कीजिए। लॉस सैंटोस तो क्या, हम रशिया और बाकी अलग अलग देशों पर भी अगले साल तक राज कर लेंगे। इस मीटिंग पर हम कुछ ऐसी बातों को शेयर करेंगे और अपनी कमियों को शेयर करेंगे जिससे हम सारे राज दूर कर सके। लॉस सैंटोस में ज्यादातर देखा जाए तो कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है और कोई इतना बड़ा यहाँ पर माफिया भी नहीं है, ट्रेवर भी छोटा मोटा माफिया है, मेरे पापा चाहे तो उसको कल मार दे, बट अभी तक मेरे पापा ने ऑर्डर्स नहीं दिए उसको खत्म करने के, इसलिए अभी तक मैंने उसका कुछ नहीं किया। बट जिस दिन मिस्टर फिलिप्स ने ट्रेवर को मारने के ऑर्डर निकाले, उस दिन ट्रेवर बच नहीं पाएगा। बाकी और भी बहुत सारी बातें करेंगे, बट जेंटलमैन सबसे पहले अभी थोड़ा आप चाय पानी पी लीजिए, उसके बाद पूरी रात हमारी मीटिंग चलने वाली है और हम प्लान डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या क्या हम लोग इस साल करेंगे और अगले साल तक देखते हैं फिर हम लोगों ने क्या तरक्की की है, सब कुछ सही हो जाने वाला है। फिलहाल भाई मैंने इन सभी की बातें सुन ली है, अभी थोड़ी देर में बंदे चाय नाश्ता करेंगे, बोल रहे पूरी रात मीटिंग करेंगे, अब पूरी रात तो मैं यहाँ पे बैठा नहीं रहूंगा भाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो बैठते हैं भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बैठते हैं बैठते हैं, सबसे बढ़िया यहीं पर रहने वाला है, बैठ के सुन लेते हैं इनकी पूरी रात। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहीं रहूँगा पूरी रात, मैं यहीं रहूँगा, जो करना है कर लो, नाश्ता करो, खाना खाना खाओ, मैं सुन के जाऊँगा सारी बात। तो ये जो पीछे बंदा बैठा है ना भाई, ये मिस्टर फिलिप्स है, इसका मतलब वो बिल्कुल सच्ची बात यार, फिलिप्स का बेटा है वो अपना लूसीफर, तो इसका मतलब सामने वाला बंदा लूसीफर है जो अभी हाथ हिला रहा था, तो मैंने लूसीफर को देख लिया भाई, जो बंदा बातें बोल रहा है ना इन सभी को, ये है लूसीफर और ये इसका सच में ही बेटा है। तो वो जो बात हमें पता चली थी वो बात सही थी, जनरल उल्टा ही बोल रहा था, तो सही है भाई, चलिए बहुत ही बढ़िया हो गया, बहुत सही हो गया। लूसीफर पीछे फिलिप्स नहीं लगाता, मतलब उसके पापा का नाम फिलिप्स है। चलिए एक क्लियर हो चुकी है, हमारा डाउट एक क्लियर हो चुका है, पीछे वाला चाचा बैठा हुआ है, इसकी शक्ल दिख जाती है तो पता चल जाता है मिस्टर फिलिप्स भी कौन है भाई। ये बंदा 15 सालों से सबसे बड़ा हेड बन के बैठा है पूरे दुनिया की माफिया का, ये जो सामने बंदा है इसका तो नेता बना दो, बट यहाँ पे नहीं मार पाऊंगा, यहाँ पे नहीं मार सकता, अगर यहाँ पे मारा ना सभी को तो सारा काम खराब हो जाएगा, फिर पता नहीं पूरी दुनिया की माफिया मेरे ऊपर अटैक करेगी, नहीं नहीं वो पॉसिबल नहीं है। देखो एकदम हमला नहीं करना चाहिए, सारा काम खराब हो जाएगा। ड्राइवर ये भी बैठे रहे और सारा काम मतलब सुनते रहते हैं सारी बातें, कोई दिक्कत नहीं है। हे पीछे वहां पे कौन बैठा है, चुपचाप अपने आप बाहर निकल के आ जाओ, नहीं तो खत्म कर देंगे, मुझे लगता है कोई टनल में खुफिया बंदा घुस चुका है। भाई पकड़ा गया, जल्दी निकल, ड्राइवर लेट मत कर, देख लिया नमूने ने। भाई मैं भागता ऊपर की तरफ आ चुका हूँ भाई, गड़बड़ हो गई है, बहुत ज्यादा बंदे मेरे को खत्म कर देंगे, बहुत सारे बंदे भाग करके आ रहे, जल्दी निकल ड्राइवर। मैंने सोचा था पूरी रात मैं यहीं पर रुकने वाला हूँ, सारी बातें इनकी सुनूंगा, पता नहीं उस बंदे की नजर कैसे पड़ गई। भाई देखो मैं रिस्क में बैठा हुआ था, वहां पे मैंने बोला था बहुत ज्यादा पास आ गया मैं, और इतने पास नहीं जाता तो उनकी बातें नहीं सुन पाता, फिर कोई फायदा नहीं था बैठने का। जल्दी जल्दी मैं माइक भी वहाँ पे रही रख के आया, क्योंकि उस बंदे ने देख लिया, नहीं तो मैं एक बार ये सोच रहा था कि माइक रखते और चुपचाप निकल जाता हूँ, माइक से उनकी पूरी बात सुन लेते पूरी रात में, सब खराब होगा। वो आने ही वाले भाई अटैक करने के लिए, बहुत बुरा। ट्रेवर भाग ब्रो, ये तो मार्स की फीलिंग लग रही है मुझे A to Z यार,
ऐसा लग रहा है मार्स पे घूम रहे हो। बट देखो मार्स का वेदर ना इतना साफ नहीं होता, मार्स का थोड़ा रेड रहता है, मतलब थोड़ा रेड रेड रहता है जैसे नीचे है ना, ऐसे रहता है वो ऑरेंज टाइप में थोड़ा सा। बस बस जल्दी ड्राइवर निकल निकल अपने इस प्लेन को लेकर के, ये मरवाएगा मेरे को, ये मरवाएगा नमूनों का सरदार तेरा प्लेन। चल जल्दी से इसको घुमा, स्टार्ट कर ड्राइवर, ये देख लो भाई, और ये चलो चलो स्टार्ट हो गया फाइनली, चलो 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 बहुत बढ़िया, जल्दी से निकल जाते हैं बाकी बाद में देख लेंगे जो होगा। चल 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 लोस्ट टाइम दोस्त के लिए निकल जल्दी से ड्राइवर, लेट मत कर। ओके मैंने उड़ा लिया है क्योंकि भाई मैं नहीं पकड़ा जाना चाहता बिल्कुल भी। ये देखो ड्राइवर के बारे में इन्होंने भी कुछ सोच रही है मारने का, बट जब भी सोचेंगे गड़बड़ हो जाएगी। मुझे लगता है मैं घर तक ठीक से नहीं पहुंच पाऊंगा भाई, क्योंकि बंदे बहुत बुरी तरीके से मेरे को फॉलो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा देखो अटैक कर रहे हैं वो, ये मेरा प्लेन ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आरपीजी बंदे फटाफट से मार रहे हैं रॉकेट, मेरे को जल्दी से इनको भाई पीछे छुड़ाना पड़ेगा। ड्राइवर ऊपर ले ले, खत्म खत्म खत्म, मुझे लगता है मेरा प्लेन खत्म होने वाला है। इसके एक लिमिट है भाई बर्दाश्त करने की, मानता हूँ बुलेट प्रूफ है, रॉकेट प्रूफ भी है, बट इतने ज़्यादा और अटैक कर रहे हैं, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा मेरा प्लेन, बदतमीज तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं बस। अरे अरे भाई बहुत बुरा होने वाला है, मुझे लगता है मेरा प्लेन जाएगा जाएगा जाएगा, बस 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 मुझे लगता है भाई मुझे मेरे प्लेन को छोड़ना पड़ेगा। प्लेन के बच गए बारह, बार बार देखो इंजन से आग निकल के जा रही है, सारा का सारा काम खराब हो गया, सारा का सारा काम खराब हो गया। मैं भाई एक बार लॉस एंजेलिस पहुंच जाता ना तो सारी सारी चीज़ें सही हो जाती, बट मैं तो शहर तक भी नहीं पहुंच पाऊंगा, इन बंदों का भला ना हो बिल्कुल भी, तो मैं छोड़ने वाला हूँ नमूनों, तो मैं देख लूँगा मैं। फिलहाल ना मेरे को यहीं पे छोड़ना पड़ेगा प्लेन, क्योंकि प्लेन का हो चुका है भाई हाजमा ख़राब, ये तो ऐसे घूम रहा है सीधा, चल पे नमूने खत्म भाई, खत्म 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 खत्म, गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा, बस 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 बस, नहीं 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 भाई कंट्रोल नहीं हो पा रहा बिल्कुल भी, क्योंकि प्लेन में इस वक्त आगे लगी हुई है, मतलब आग लगी हुई है, क्या करूँगा मैं। बंदे अभी भी आरपीजी से पूरा अटैक किए जा रहे हैं, अगर मैंने यहीं पर जंप लगाया मान तो प्लेन तो खत्म हो रही है, तो फिर मैं कैसे बचूंगा, तो मेरे ऊपर सीधा आरपीजी मारेंगे, बहुत बुरा काम हो जाएगा। फाइनली मैं लॉस सैंटोस मेरे को दिखना शुरू हो चुका है भाई, ड्राइवर के थके हुए प्लेन प्लीज़ मेरे को पहुंचा दे, मेरे को लॉस सैंटोस पहुंचा दे, नहीं तो मेरे को पानी तक पहुंचा दे, पानी में घुस जाऊंगा, ज़मीन पे तो मर जाऊंगा ना। जल्दी 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 भाई पानी में पहुंचने वाला हूं, थोड़ा सा बच गया पानी तक पहुंचने वाला हूं, भाग 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 भाग, थोड़ा और पीछे पड़ा हुआ है प्लेन भाई, बहुत बुरी तरीके से ये गया। अब की बार मुझे लगता है मेरा प्लेन खराब होने वाला है भाई, ये तो गोल गोल घूम रहा है। अबे तेरा ड्राइव मतलब क्या स्टीयरिंग खराब हो गया प्लेन तेरा, ये चल कैसे रहा है तू, अरे भाई मेरे हिसाब से घूम जाए इधर से। ओके भाई अब की बार फिर से घूम चुका है, कितना बचा हुआ है, थोड़ा सा बचा हुआ है, बैलेंस बन गया भाई प्लेन का, बैलेंस बन गया, आग लग रही है मानता हूँ बट प्लेन ठीक चल रहा है। पहुँच जा बस, तो थोड़ा सा पहुँच जा, उसके बाद तो जो आता है आने रहने दे, बस एक बार मेरे को तो पानी में पहुँचा दे, उसके बाद तो मैं अपने आप को बचा लूँगा, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा और चल, थोड़ा सा और चल ब्रो, ऐसे मत कर, अरे भाई फिर से बंदे ने किसी ने आरपीजी मारी, मैं तेरे को नहीं छोड़ने वाला बिल्कुल भी, अरे आरपीजी इतनी मत मार मेरा प्लेन खत्म हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, गिरा भाई गिरा गिरा गिरा, और फाइनली ये जा करके नीचे जाया जा रहा है, स्पीड कम हो जा रही है, और लो भाई ये करा गया 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 गया, इससे पहले जाए मैं गिर जाता हूँ, अरे मरा दिया यार इन बंदों ने, इनका भला लौट रहा है, बस शांति शांति शांति, मर गया, पहुँच ही नहीं पाया पानी तक। अब तो भाई ड्राइवर को कोई नहीं बचा सकता, अबे भाग नमूने, इतने प्लेन पीछे पड़े हुए मरेगा इस तरह में लॉस सैंटोस, मेरा प्लेन भाई मेरा साथ नहीं दे पाया, पहले ही ख़त्म हो गया। जल्दी निकल भाई इससे पहले वो राउंड लगाने आ जाए ना, बहुत बुरा मेरा नेता बन जाएगा, अभी मेरे को ऐसे ही भागना पड़ेगा। जल्दी ड्राइवर जल्दी जल्दी जल्दी, थोड़ा सा टाइम देखो लगने वाला है मेरे को पानी तक पहुँचने का, वैसे लगता है भाई अभी ना बंदे शांत हो गए हैं, बंदे शांत हो गए हैं, बहुत ही बढ़िया ड्राइवर ब्रो, भाग भाग भाग, देखो ज़्यादा उड़ नहीं है भाई, मेरे प्लेन ने थोड़ा काम मेरा कर दिया, मतलब थोड़ा एज तक मेरे को लेकर के आ चुका है, बस मैं कूद जाऊँगा अभी और जल्दी सारा काम हो जाएगा, इस मार्स से मैं बाहर निकल के पहुँच जाऊँगा। मेरे को बड़ा बुरा लग रहा है ये जगह इस वक्त, क्योंकि मैं मरने वाला हूँ यहाँ पर, अगर बंदे पहुँच गए ना मेरे ऊपर दोबारा से अटैक करने के लिए, एलियन गन मार के देखूँ प्लेन को ख़त्म कर सकते हैं, हमने पहले ट्राई किया एलियन गन निकाल लेता, अगर प्लेन पास में आएगा ख़त्म कर दूँगा एकदम, मैंने एलियन गन निकाल लिए, आने तो एक बार प्लेन को, उसको तो मैं नीता बना डालूंगा, आ जा भाई, लगता है आ नहीं रहे, डर गए क्या बंदे, जो कुछ भी है भाई जो भी है बहुत ही बढ़िया हो गई है, अभी तक बंदे कोई नहीं आ रहे, मैप पे दिख रहे हैं प्लेन मेरे को बट आ नहीं रहे मेरे पास में, मेरे को दूर दूर तक भी दिख रहे हैं स्टार्स स्टार्स दिख रहे हैं। ड्राइवर निकल इससे पहले काम खराब हो गया अपना, प्लेन भाई चलने में लग रहा है, इसको छोड़ो, ऐसा लग रहा है मैं आगे जा ही नहीं पा रहा भाई, कैसी जगह है ये, अभी भी इतना ही दूर लग रहा है मुझे लॉस सैंटोस, सही में पहाड़ पास ही नहीं आ रहा, दूर ही दूर जा रहा है, अरे भाई क्या कर क्या रहा है मेरे साथ में, मैं ट्रेडमिल में थोड़ी भाग रहा हूँ, क्या जगह मेरी आगे नहीं हो रही, बहुत बुरा हुआ भाई। चलिए पहुँच रहा हूँ फिर भी ठीक चल रहा काम, बट ये ऐसा भी नहीं लग रहा है मेरे को, मैं आगे जा ही नहीं रहा, पूरे 10 मिनट भागने के बाद मैं फाइनली उस जगह से बाहर आ चुका हूँ भाई। चलिए ड्राइवर ब्रो बहुत ही बढ़िया, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, प्लेन लगता है अब मेरे को नहीं मारने वाले, अगर मारने आएंगे भी ना तो वैसे नीचे घुस जाऊंगा, देखो पानी में ना आरपीजी वगैरह रॉकेट वगैरह इतना असर नहीं करने वाले जितना ऊपर करता, अब कोई दिक्कत नहीं है। मैंने गिरने से पहले लेस्टर को फोन कर देता भाई प्लीज़ बोट वोट भिजवा दे, नहीं तो मेरे को खत्म कर देंगे सारे सारे बंदे, तो लेस्टर बोल रहा है ठीक है भिजवा रहा हूँ, जल्दी से भाई बोट को आने दो उसके बाद देखेंगे फिर, अब बाकी चीज़ लेस्टर पता करेगा। हम एक चीज़ कन्फर्म हो चुके, लूसीफर कोई खतरा नहीं हमारे लिए, मेन खतरा है फिलिप्स, लूसीफर कुछ काम नहीं करता अपने पापा के बिना, मतलब जब तक उसका पापा ऑर्डर नहीं देगा लूसीफर कुछ नहीं करेगा, उसने साफ साफ ये बोला था कि जैसे ही मेरे पापा ऑर्डर देंगे मैं लूसीफर मतलब के ड्राइवर को खत्म कर दूंगा, इसका मतलब फिलिप्स नहीं चाहता कि वो मेरे को मारे,
पता कर लेंगे फिलिप्स है कौन, उसकी शक्ल नहीं देख पाए, बाकी बंदों को भी ठीक से नहीं देख पाए, इतना टाइम लगा ही नहीं यार, इतनी मेहनत करी माफिया की, बहुत खतरनाक सीक्रेट मीटिंग तक पहुंचे और फाइनली एकदम पकड़े भी गए। मेरे पास भाई बोट आ चुकी है, लेस्टर के 2-3 बंदे आए थे, फिलहाल वो अलग बोट में चले गए, मैं अलग बोट में यहाँ से निकल रहा हूँ, मैं सीधा पहुंच रहा हूँ भाई सेफ जगह पे, मैं वैम्पायर वाले बेस पर जाऊंगा, क्योंकि मैं घर आपको बताया अभी रहता नहीं हूँ, क्योंकि डील 47 के चक्कर में गैंग कभी मेरे ऊपर अटैक कर देती है, इसलिए मैं सोता तो वैम्पायर वाले बेस पर ही हूँ, वहीं पर जाकर के आराम से रात बिताता हूँ। लेस्टर को मैं सुबह सारी बात बताऊंगा, क्योंकि माफिया वाले पीछे पड़े हुए, कभी मेरे ऊपर नजर पहुंच जाएगी इनकी और ये एकदम से पहुंच जाएंगे, काम खराब हो जाएगा। पहुंचते वैम्पायर वाले बेस पे, अब जो होगा सुबह देखी जाएगी। सुबह भाई हो चुकी है, लेसर को मैंने सारी बातें शेयर कर दी थी सुबह उठते ही, फिलहाल अभी मैं निकल पड़ा हूँ, मेरी गाड़ी मेरे पास भिजवा दिया लेसर ने, अभी यहाँ से बाहर निकलता हूँ। एक छोटी सी खुशखबरी ये मिली, आपको याद है मैंने लूसीफर के लॉयर को पकड़ के रखा हुआ है, उस लॉयर ने अब मुंह खोला, तो लेसर के बंदर ने जाकर उससे कुछ पूछताछ करी, तो लॉयर ने बोला है कि ट्रेवर्सर को ये बोल दीजिए कि सिटी हॉल में एक बहुत ही प्राइवेट सेफ है लूसीफर का, जिसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन रखता है, अगर ट्रेवर सर के वो चीज़ काम आ जाएगी तो बहुत बढ़िया, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। तो भाई आपको पता है लूसीफर के बंकर को भी मैं ढूंढ रहा फिर रहा था, क्या पता उसी सेफ में बंकर की इन्फॉर्मेशन हो और लूसीफर फिर हमारे कंट्रोल में आ जाए और उसके पापा को फिर खुद ही कंट्रोल में कर लेंगे, तो लगता है इसी तरीके से फिर हम लोग सब कुछ सही कर सकते हैं। देखो एक और पॉइंट मैं आपको ये बता दूं, इस माफिया ने ऐसा नहीं किया ट्रेवर के पीछे पड़े हुए हैं, इनका मकसद क्या है, पूरी दुनिया पे राज करना। ये बोल रहे हैं कि लॉस सैंटोस को जल्दी अपना बना लेंगे, उसके बाद फिर रशिया में जाएंगे, फिर अलग कंट्री है, फिर मतलब ऐसे जाते जाते पूरे वर्ल्ड को अपना बनाना है। अभी भी भाई इनकी कुछ जगह बची हुई है, मानता हूँ ये पूरी वर्ल्ड की सबसे खतरनाक माफिया है, बट भाई इतनी बड़ी दुनिया है, इन्होंने सारी दुनिया के ऊपर कंट्रोल नहीं किया, तो ये मीटिंग इसी वजह से होती है हर साल की। अब देखते हैं हम क्या प्रोग्रेस करेंगे इस साल, कौन से कंट्री में क्यों अपना राज करेंगे इस साल, तो ये बंदे प्रोग्रेस चेक करते हैं हर साल आकर के उस जगह पर, बट अब क्यों वो जगह बदल जाएगी भाई। तो चलिए खैर जैसा भी है, निकलता हूँ यहाँ से, पहले इसके सेफ को तोड़ता हूँ, देखता हूँ सिटी हॉल में जाकर के क्या इसके सेफ में ऐसी चीज़ है जो मेरे काम आ सकती है। पहुंच चुका हूँ मैं सिटी हॉल में, गाड़ी मैंने पीछे तरफ खड़ी कर दी है, मेरी गाड़ी कैमराज में नहीं आएगी, फिलहाल मास्क मैंने ये वाला पहन लिया क्योंकि इसमें ट्रेवर बिल्कुल नहीं दिखने वाला। अब करते हैं यहाँ पे दंगा, टाइम है ही नहीं भाई कि इन बंदों से प्यार से बातें करनी है, क्योंकि यहाँ पे सभी को मारने के लिए मेरे को सेफ लूटना है, फिलहाल ये बहुत खतरनाक जगह है गवर्नमेंट की, बट देखो भाई मेरे को यहीं पे बंदों को मारना पड़ेगा। ट्रेवर ब्रो अंदर की तरफ निकल, इसको तो नेता बना लूंगा। हेलो चाचा जी कैसे खड़ा है नमूने तेरे, मेरे हाथ में मतलब गन्नी दिख रही, तेरे को गोली चलानी चाहिए थी, अजीब सिक्योरिटी है। बंदों को मैंने नेता बनाना शुरू कर दिया है, कहां तक जाओगे, जहां तक जाओगे ट्रेवर को पाओगे, टकला फोड़ डालूंगा। ओके भाई वो एक बंदा वो शायद से दिखा था मेरे को, चलिए एक भाई यहां पर है, ओके ये बंदा खत्म हो चुका है, एक बंदा टेबल पे चढ़ खड़ा हुआ है, ये मैं बोल करा दे, बंदा मैंने देखा तो मारा नहीं भाई नमूने, भाई बंदे कहां कहां से गोली चला रहे हैं मेरे को समझ भी नहीं आ रहा, बंदे में यहां पे सामने एक भी नहीं खड़ा हुआ, ओके पीछे से खड़ा हुआ गोली चला रहा है, अबे नमूने बहुत ज्यादा मारने वाला हूं। ओके ये बंदा खत्म हो चुका है, ऐसा लग रहा है कोई बंदा है और दिख नहीं रहा मुझे। हेलो 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 कोई है क्या यहाँ पे, गोली आ रही है भाई, गोली दिख रही है, बंदा नहीं दिख रहा मुझे बिल्कुल भी, क्या बदतमीजी है, कुछ तो है, कुछ तो है, कौन है भाई तो यहाँ पर, कुछ तो है चल रहा है, चलिए बाद में देख लेंगे, फिलहाल ये बंदा खत्म हो चुका है, आगे निकलते हैं। उसने बोला था सेफ यहीं पे कहीं पे भी हो सकता है, तो कहीं पर भी जाइए ट्रेवल सर, आपको सेफ में बस आपको सामान लेकर के आना है और उसके बाद आपका सब कुछ हो जाएगा। ये ले चाचा जी खत्म, ये खत्म हो चुका है, और कोई है इधर भी, ओके भाई इधर कोई बंदा नहीं भाई, एक बंदा इधर भी है, ओके ये भी खत्म मैंने कर दिया है, और कोई है आगे भी सब देख लेता हूँ। वैसे गार्ड्स तो यहाँ पे कमी थे, मैंने लास्ट टाइम भी देख के रखा है, यहाँ पे भाई मेन बंदा भी बैठा रहता है कलेक्टर हमारा, वो भी हुआ तो उसको भी 2-4 गोली मार दूंगे आज मैं। अरे नहीं यार वैसे उससे कोई पंगा नहीं है, मानता हूँ उसने परेशानी करके रखी थी, बट कोई बात नहीं उसको मारने से कोई फायदा नहीं। चाचा जी खत्म, मुझे ऐसा लगता है गार्ड्स जहाँ जहाँ पर है ना ज्यादातर मतलब मेरे को चीज़ें कमाल की वहीं पर मिलने वाली है। ले बेटे ओके बुलेट प्रूफ है इस कार पर, गोली नहीं लगने वाली, तो ये बुलेट प्रूफ ही होगा, इस कार पर भी गोली नहीं जाने वाली, अंदर जाकर के बंदे का नेता बनाना पड़ेगा। चाचा जी आ रहा हूँ, आ रहा हूँ आपके लिए स्पेशल, अंदर आकर के आपको गोली मारूंगा। ले बेटे कैसी लगी, खत्म भाई बंदा मैंने ये भी खत्म कर दिया है, अंदर निकलते हैं। एक सेकंड भाई अंदर कुछ है भाई, सेफ सेफ मिल गया मेरे को, ये रहा सेफ, चलिए चलिए बहुत बढ़िया चाचा जी खत्म, बहुत बढ़िया सारे बंदे मैंने लगभग मार दिया, एक दो बंदा बचा होगा उसको बाद में देख लेंगे, गोली काफी लग गई है, कोई दिक्कत नहीं, ब्लड प्रूफ सूट है, काम कर जाएगा। सेफ को ओपन करता हूँ, उसने पासवर्ड बता के रखा हुआ है 8357, ये कोड है लॉयर को पता है, 8357 डाल के जल्दी से इसको ओपन करता हूँ, देखता हूँ अंदर क्या मिलेगा। मैंने सेफ को ओपन किया, कोड सही से काम किया, इसका मतलब लॉयर ने बिल्कुल भी झूठी खबर नहीं दी है। बाहर निकलता हूँ जल्दी से, सेफ में कुछ नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी पेन ड्राइव है भाई, मैंने वो ले ली है, तो इसका मतलब पेन ड्राइव में काफी ज्यादा राज इस बंदे के बारे में हमें मिलने वाले हैं। अब देखते हैं कि इस पेन ड्राइव एक मतलब क्या क्या बताएगी लूसीफर के बारे में। लूसीफर तुम तो गए, एक बात समझ नहीं आई, लूसीफर ने अपनी पेन ड्राइव सिटी हॉल में सेफ में क्यों रखी, उसको ये ज्यादा जगह सिक्योर लगती है अपनी जगह से ज्यादा, अजीब है ना यार भाई, अपनी अपनी पसंद की बात होती है। ट्रेवर बेटे क्राइम सीन को छोड़ यहाँ से निकल बाहर, पुलिस यहाँ पे कभी भी बैकअप में बहुत ज्यादा आ सकती है। निकलते हैं भाई देखते, चलो खैर आखिरी लूसीफर का कुछ भरोसा नहीं है, ये ऐसे ही काम करता है, अपना इतना बड़ा डिक्टेटर फ्रेंड, उसने देखो उसको भी पिक करने वो नहीं गया था, और उसके बारे में आज तक डिमांड भी नहीं करी भाई, डिक्टेटर अभी तक मेरे पास बंद है, उसको छोड़ दूं क्या, पता नहीं भाई ये तो सीरियस ले नहीं रहा उस बात को, बिल्कुल भी बोलता नहीं है मेरे को, छोड़ दे आज तक फोन भी नहीं किया, अमेजिंग ही बंदा है। खैर जैसा भी है जो होगा बाद में देख लेंगे, निकलते हैं भाई फाइनली। वैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें आज करी है, फाइनली वैसे हमने वो भी जगह देखी आज दुनिया की जो सबसे बड़ी मीटिंग हुई माफिया की, थोड़ी प्रॉब्लम हुई वहाँ पर बट अच्छी जगह थी, अमेजिंग जगह बंदों ने बना के रखी थी।
डील में कुछ चीजें पता चली कुछ नहीं पता चली वो धीरे धीरे पता लगी जाएगी। अभी हमारा जो मेन बंदा लूसीफर और फिलिप्स है इनको सीधा कर देंगे और इलेक्शन पर भी ध्यान देना है, सब कुछ सही हो जाएगा। तो बस मेरे भाई फिलहाल इस वीडियो से जरूर तो ये वीडियो कैसी लगी, अगर आप चैनल पर नहीं तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके फैमिली का मेंबर बन जाइए। अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पर फॉलो नहीं करा कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।